मंत्री जी नमस्कार, आइए आइए। मंत्री जी का जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए तो इतनी दूर से माँ का आशीर्वाद लेने आए। साहब जी, आपके जन्मदिन पर माता रानी ने आपको नटराज के रूप में दर्शन दिया है। मंत्री जी, बिना प्रसाद लिए आप कहाँ जा रहे हैं? ए, जाकर ले आओ। आइए साहब। ए, अरे इसे क्या हुआ, देखो तो। चलो मुझे सफेद सुमो लाल स्टिकर और रजिस्ट्रेशन बोर्ड। एक्स्ट्रा फिटिंग्स नहीं है। ओवर ओवर। जनता को पता चली तो थोड़ी देर में पूरी इंडिया हिल के रह जाएगी। इंडिया के तेरे बाप की जागीर है जो ऐसे कामों से हिल के रह जाएगी? अपने नायक को पता चला तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरे नायक ने ही तुम्हें उठाने की सुपारी अपने भाई को दी, इसलिए तुम्हें उठाया है। एक जरूरी कंसाइनमेंट पास करना है, लेकिन तुम साइन करने की बजाय बकवास किए जा रहे हो, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ रखने के लिए कहा है। साहब, मुझे गलत मत समझना, मुझसे जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ। चाहो तो तुम्हारे नायक को भी उठाने की सुपारी दे दो, उठा लाऊंगा। तुम्हें 2 घंटे में उठाया था, फिर नायक को 4 घंटे में उठा लाऊंगा। होल्ड ऑन, एक जरूरी बात करनी है। शार्क मछलियों की जगह पे बोट पार्क की है, बचने के लिए पानी में जंप लगाई तो सीधे शार्क के मुंह में जाएगा। क्या है ये, कोई रियल एस्टेट पार्टी के खातिर हम यहाँ बैठे हैं? कोई और रियल एस्टेट पार्टी नहीं है भाई, शहर का भाई है। दूसरों के जगह बेचना, राजनीति वालों को गुंडे सप्लाई करना, मांडवली से लेकर मर्डर तक सारे मुंबई इनका ही चलता भाई। 5,000 दिए तो असल्ट करते हैं, 50,000 दिए तो सपोर्ट रोकने के लिए इनके पास आदमी है भाई। असल्ट यानी हाथ पैर निकाल देना, स्पोर्ट यानी मर्डर कर देना। नमस्ते जी। नमस्ते बद्री, क्या लफड़ा है? मलाड ईस्ट में एक जगह का लफड़ा है भाई। मलाड ईस्ट में, वहाँ वैल्यू कम है ना? सीएनजी रोड के बाजू में 1,000 फीट फ्रंट साइट है, 140 एकड़ की जमीन है। बेचने वाले मलाड के रहने वाले हैं, खरीदने वाले अपने वराड़ राज ग्रुप वाले हैं। जमीन पे खेती करने वाले 8 लोग 1 एकड़ पे 25,000 देंगे तो जमीन छोड़ देंगे कह रहे हैं। किसी और की जगह पर तुम लोग कैसे रह सकते हो, बताओ मुझे? आखिर जो खेती करेगा उसी की तो जमीन होती है सरकार। एक झापड़ मारूंगा खींचकर। रास्ते की लड़की पत्नी होती है क्या? एक लड़की से रिश्ता बनाने के लिए फूल देकर, सगाई कर, मंडप डालकर फिर शादी की रसम पूरी होती है। उसी तरह एडवांस देकर एग्रीमेंट बनता है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सर्वे, पावर, रजिस्ट्रेशन करके ठप्पा मार के बहुत से काम होते हैं। गवर्नमेंट रूल। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 है साहब। जानवरों की तरह हर साल एक बच्चा पैदा किए जा रहे हो, इंक ना लगे इसीलिए उंगली पर तेल लगा कर जाते हो। नकली वोट डालने वाले चोर कहीं के, तुम कानून के बारे में मुझे समझा रहे हो? भैया, एकड़ पे 5,000 हो तो वो देने के लिए पार्टी रेडी है। 10,000 देने के लिए कहना। ए, 1 एकड़ पे 2,000 दूंगा। चुपचाप लेकर कागजात पे हस्ताक्षर करके मुंह बंद करके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सुनो बद्रीनाथ। भैया, रजिस्ट्रेशन मलाड में करेंगे तो सारे लोग मिलकर लफड़ा कर सकते हैं, इसीलिए यहीं पर करवा लो। ठीक है भैया। ठप्पा लगाने के समय लोकनाथ को अपने साथ में रखना। ओके, मैं देख लूंगा भाई। ए भास्कर। हाँ भाई। इन लोगों को ले जाकर खाना खिलाकर माहिम के गटर में डाल। ठीक है। हाय।
क्या बाबू कॉलेज जा रहे हो क्या? जी हाँ। कौन से कॉलेज में? जो कॉलेज खुला मिलेगा उसी में घुस जाऊंगा। संभल के बाबू, हर दिन एक ही कॉलेज में जाना, नहीं तो फंस जाओगे। भाई नमस्ते। भाई आ जा बैठ। मंदिर में जाके एक भजन गाया भाई, सब मुझे साधु समझने लगे। पास में उनको पता चला होगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। ये लो भाई, पूरे शहर में खलबली मची। मंत्री जी को बोर्ड में बंदी बनाकर रखा है। मेरे आदमी सिग्नल मिलने तक कुछ नहीं करेंगे। फोन कर लीजिए, मंत्री जी डरे हुए हैं। मैं बात कर लूंगा। चलता हूँ मैं। अब क्या हुआ? ये लो। ठीक है, अपने पास रखो। चलता हूँ। क्या भाई, भाई भाई कर ये ज्यादा ही कर रहा है। भाई भाई कहकर वही पुकार रहा है। भाई का मतलब मैंने समझा नहीं। काम का है लड़का, मेरे काम का है। क्यों मारो उसे, क्या हुआ? ये हर दिन लड़कों के साथ घूमती रहती है। ऐसी लड़कियों की वजह से ही कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। 50 साल के बुड्ढे के साथ गाड़ी में जा रही थी, उसके साथ मजे कर रही थी। तू अपने आप को क्या बहुत बड़ी हूर पर ही समझती है? हाँ, मैं तो मुरझाया फूल हूँ। तू तो बहुत बड़ा गुलदस्ता है ना। पिज्जा हट मार्केट में सिम कार्ड बेचने के बहाने तू क्या बेचते मुझे पता नहीं है क्या? मर्दों के साथ घूमना गलत बात नहीं है क्या? हाँ जाओ, दिन रात घूमते रहना। बीमारी लगेगी जब फूल रानी को एड्स हुआ है कहकर होर्डिंग पर तेरा फोटो लगाएंगे, तब पता चलेगा तुझे। कॉलेज कल बन के रहना, कॉल गर्ल मत बनना। फिर कभी किसी के साथ घूमेगी ना तो चप्पल से मारूंगी, याद रखना। कौन हो तुम? सुमो। साइकिल पर आते हो और सुमो कहते हो, पागल कहीं के? मैंने अपना नाम आपको सुमो बताया। माय नेम इज बेन। बहुत महंगी गाड़ी है, आई लाइक यू। ए, मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। भाई ये गाड़ी नई नहीं है, पुरानी लगती है। ऑल इंडिया परमिट है भाई। भाई वहाँ लहंगा दुपट्टा पहने एक लड़की तुम्हें ही देख रही है भाई। मुझे देख के ऐसे गा क्यों रहा है? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ जानू। प्यार? मैं तुमसे क्यों प्यार करूँ? अभी प्यार नहीं करती मगर गाना सुनकर हो जाएगी। ए, कौन है रे तू? मैं सुमो हूँ। सुमो नाम है तो सफारी से को टकराते हो, जाकर ट्रक से टकराओ ना। ट्रक से? उससे जाने तो भाई, हमारे लायक वाली फिगर उधर आ रही है, वहाँ देखो मालोनी की गंगू बाई। अरे अपनी गंगू बाई। नमस्ते भाई। हाँ ठीक है। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। गजनी, मैं बद्री बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई। सुनो, कांच पहाड़ों में आज शाम को पार्टी की मीटिंग होने वाली है। हाँ। मेरे ख्याल से 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं रे, अहमदाबाद कहने के लिए। हाँ तो मैं क्राउड ले आऊंगा। ठीक है भाई। इतना ही नहीं, लेडीज भी चाहिए अपोजिशन पार्टी वालों को उठाने के लिए। जिनको उठाना उनकी लिस्ट दे दो, मैं देख लूंगा। भैया खाना तैयार है, खाके जाना। नहीं बहन भूख नहीं लगी। अरे भूखे क्यों जा रहे हो, कुछ तो खाके जाओ। क्या शास्त्री जी, नाश्ता कर लिया? किया। क्यों रे सुमो, 2 दिन से कहाँ था? गाड़ी खराब थी, सर्विसिंग कराने गया था। ए, ये क्या रे, अपोजिशन वाले यहाँ क्यों आए थे? कुछ नहीं गजनी, शाम को कांचपाड़े में मीटिंग रखी गई है। वहाँ लफड़ा करने के लिए 50 आदमी मांगे हैं। 500 पे बात हुई है, 5000 एडवांस लिया हूँ, ट्रैक रेडी है। पत्थर नहीं तो फूल मारेंगे क्या? शास्त्री जी, भाई का फोन आया था, वहाँ जिंदाबाद बोलने वाले चाहिए। हाँ क्या? हाँ। तो यहीं से जिंदाबाद बोलते चले क्या? मारने और मार खाने वाले भी अपने ही आदमी। ए, कौन है रे वहाँ? मैं हूँ सुमो। ए, पागल कहीं के, वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। क्यों? हाँ, तुम एक बार मेरे घर में कदम रखोगे तो 100 बार जाके सबसे कहोगे कि मेरे साथ चक्कर है। कहूँगा तो क्या गलत है? ए, क्यों आया यहाँ? तुम्हें गजनी ने बुलाने के लिए कहा है। तू मुझे इतना बता, तुझे काला अंगूर क्यों कहते हैं? बताता हूँ सुनो, जब मैं अपनी माँ के पेट में 7वां महीने का बच्चा था, मेरी माँ को काला अंगूर बहुत पसंद था। एक बार अंगूर खाते समय एक पूरा गुच्छा काला अंगूर सीधे अंदर चला गया। अंगूर को अंदर जाते हुए देखकर मेरे पापा ने कहा ठंडा पानी पीकर उल्टी करो। तो अंगूर निकला क्या? अंगूर नहीं निकला, 7वें महीने में मैं ही बाहर आ गया। तो पहले ही आ गए क्या? 1 महीना पहले नहीं, 2 महीने पहले पैदा हुआ, दिमाग वाला तो हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने काले अंगूर से पैदा हुआ काला अंगूर कहकर मेरा नाम रख दिया। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ठंडा पानी पिलाने से पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम ठंडा पानी रख दिया। लेकिन मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, दोनों के नाम को मिलाकर शॉर्टकट में सुमो रख दिया, समझी ना? कहाँ गए, गायब हो गए? हाँ सब कुछ समझ गया। गजनी तुमने मुझे बुलाया क्या? दीदी शाम को मीटिंग है ना, माइक पे ऐसा भाषण देना कि अपोजिशन वाले हिलके रह जाए। तुम मुझे लेस दो, माइक टूटने तक मैं भाषण दूंगी, गालियाँ तो दे ही सकती हूँ ना। हाँ जो तेरी मर्जी हो दे देना। मैं हिला कर रख दूंगी। अरे सुनो, हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ठीक है भाई। याद रखना, कोई भी पत्थर नहीं मारेगा, अंडे टमाटर मारेंगे। नारायण गोविंद स्टेज पे कोई पत्थर नहीं मारेगा, अगर दीदी को पत्थर लग गया ना तो अपोजिशन को छोड़कर तुम्हें गाली देगी। अब आपके सामने जो महिला आने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बस्ती की महिला प्रमुख जामाजों की जामाज, बहुत ही खूबसूरत सरोजा आपके सामने मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आ रही है। आइए सरोजा जी, हमारी बस्ती के लोगों के संचार रखिए। औरतों को, मर्दों को, सभी को मेरा नमस्कार।
कंधे पे रखेंगे तो टॉवेल, कमर में बांधेंगे तो धोती, अंदर बांधेंगे तो लंगोट, ये सब तो पुरानी बातें हैं। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? ए रामलाल, तुम समझते हो कि नहीं? तुम मंडल के अध्यक्ष नहीं हो, तुम चक्की पीसने वाले हो। ए तू ऐसे क्या देख रहा है? अगर तुम में से कोई सच में मर्द है तो मेरे सामने आए। अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो, और सच में मर्द हो तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाओ, तब तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी। तुम अध्यक्ष हो तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत है, हम आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? कौन है रे? अपनी पॉकेट से रॉकेट निकाल के मुझ पे किसने मारा? ए, जिसने भी ये हरकत की है मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे मुंह पर ये मूछें नहीं है, घोड़े के बाल हैं। वैसे बाल तो मेरे पैरों पर भी हैं। क्या अब दीदी को कोई चुप नहीं करा सकता? सारी हरकतों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ए, ये पत्थर किसने मारा? अरे क्यों मुझ पे पत्थर मार रहे हो? अरे रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझ पर पत्थर मार रहे हो? एक एक को देख लूंगी, याद रखना। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे बाहर! वहां देखो, क्या चाहिए? सिम कार्ड है क्या? ओ, आपको एक नया स्कीम बताती हूँ, चीप एंड बेस्ट। एक कॉल करूंगा तो 99 पैसे, दो कॉल करूंगा तो 198, एक हाथ लगाया तो, दोनों हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। भाई चलो चलते हैं, फिर कभी बताऊंगा। काजल, कॉलेज जाकर पढ़ाई करने का छोड़कर तुम क्यों यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हो? तुझे क्या यार, तू तो कुछ भी कह सकती है। मेरे डैड मुझे ताऊ के घर एक गेस्ट की तरह छोड़ के पूना चले गए। गेस्ट की तरह? उसे तो पेइंग गेस्ट कहते हैं ना। मंथली पैसा देकर जो रहते हैं उसे पेइंग गेस्ट कहते हैं, और जो साल भर का पैसा देता है उसे मेरी तरह गेस्ट कहते हैं। मतलब प्रीपेड कार्ड की तरह। ये बता, लड़कियां पार्टी को पसंद आई कि नहीं? बहुत ज्यादा पसंद आई है, एक हफ्ते से बोर्ड में ही है ना। इस उम्र में भी बुढ़ा बहुत जवान है, सब वीडियो निकाला हूँ उसका। जल्दी से अखबार में डाल दो, मुंबई से आकर सेटल हुआ ऐसा समझकर मुझसे लफड़ा किया तो न्यूज बनेगा। लड़की का लड़की क्या करती है? एक लड़की मान गई है, दूसरी मना कर रही है। मेरी बात सुनो, जो मान गई है उसे काम पे लगा देना, फोन आए तो भेज दिया है कह देना। मना करने वाली लड़की को क्यों? तुम जाना नहीं चाहती का? पसंद नहीं है का? का बात है, छोड़ दूंगा तो सबको बता दोगी ना? नमस्ते भाई। रजनी, हाँ। उसके पास क्यों जाना है भाई? जरूरी काम है रजनी, सिर्फ अकेला मैं नहीं, कालिया बाबू, साकिना का शंकर, पठानवाड़ी का खान, सभी मिलकर जा रहे हैं। बिहारी के पीछे अल्फांसो, वरुण, गढ़ियल मुन्ना और 20 लोग और हैं भाई। रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता के बीच तो तुम आ रहे हो। तुम गांजे का बिजनेस कर लो, स्मगलिंग, अल्सर, मर्डर, तुम्हें जो पसंद है वो कर लो। इन बिजनेस में मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन लड़कियों का धंधा क्यों कर रहे हो? ये बात पब्लिक को पता चली तो लफड़ा होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास जाकर वापस आया तो एनकाउंटर के नाम पे हम सबको जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। हमको तुम डराने की कोशिश कर रहे हो का? मेरे बिजनेस में दिमाग मत लगाना, तेरे अकेले को नहीं है पुलिस का सपोर्ट, अरे हमको भी है। अरे क्या तू समझ रहा है मैं बड़ा नहीं हूँ? मेरे पास पॉलिटिकल पहुंच नहीं है। ए धर्मात्मा, जकाला के जयराम को मेरे एरिया में खत्म किया, हम कुछ बोले का? बिहारी, वो अलग है, ये अलग है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लड़कियों की बात अपने बिजनेस में काम नहीं आएगी। भाई आप मुंह बंद रखिए। क्या भाई को डरा रहे हो? इन्हें कितना अनुभव है पता है तुम्हें? ए धर्मात्मा, वो तुम समझ लेना, हमको जरूरत नहीं है।
कौन है भी तू? कहाँ से आया तू? भाई से जुबान लड़ाता है? क्या समझता है? तेरी है हिम्मत? फिर जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगा। भाई वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। गांड रोड जाकर लड़कियों का धंधा करने वाले भलवे उससे जुबान लड़ाता है? उससे जुबान लड़ाता है? अभी तू जानता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। तू समझता है भीड़ देख के हम डर जाएंगे? बहुत रो रहा है, एक हाथ मारूंगा तो ग्रांड रोड पे जाके गिरेगा, खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या खत्म करेगा, हम खत्म करेंगे तुमको। मुकाबला कर कौन है रे वो कुत्ता? नाम गजनी, धर्मात्मा का राइट हैंड। कटोरी में डीएसपी मिला तो ठीक रहेगा। हाँ सुन, गाय करेगा तो गोमूत्र होता है और कुत्ता करेगा तो डीएसपी होता है। रेडी है गजनी? तेरा आइटम रेडी है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ले आओ। ए मांझा कैसे पकड़ते हो, देखो आला तिरछा लग रहा है। हाँ, घोड़ा खाली है, बैठो ना। गजनी बिहारी के आदमी आ रहे हैं, देखो। गजनी बिहारी भाई ने तुम्हें बुलाया है। किस लिए? तुम बड़े जाबाज हो ना हमारे ग्रुप में शामिल करने के लिए। लड़कियों का मैटर पसंद नहीं है तो हेरा फेरी तो कर सकते हो ना। गजनी महाराष्ट्र में 1 किलो पाउडर 1 लाख रुपए में बिकता है, वही पाउडर बांग्लादेश को सप्लाई किया तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। धर्मात्मा तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा के चिल्ला तुम्हें देता है, पूरा पूरा फायदा वो उठा लेता है, यही तो भाई समझाना चाहता है। भाई से मेरा रिश्ता खराब करना चाहता है बिहारी, है ना? मुझसे बात करने के लिए आए थे ना? बिल्कुल। तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? मैं कुछ भी नहीं लेके आया। ये हथियार नहीं है? ये तो वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? हथियार साथ में हो तो सेफ्टी होती है। अब तुम सेफ हो ना, मैं तेरे साथ नहीं चल रहा हूँ। हाथ लगा के देखा, लगा ना, मार ना। चाकू बंदूक शीशे की बोतल खतरनाक हथियार तूफानी बम मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मामूली चीजों से मार डालता हूँ। अगर जरा भी हिला तो खून बाहर आ जाएगा और साथ में जान भी। जिंदा रहना है तो अपने बाप बिहारी से कह दे कि भाई मेरी जान है, अब निकल। ओ आइटम, इतना पानी कहाँ ले जा रही है? गाँव से मेरे मेहमान आए, उनके लिए ज्यादा पानी ले जा रही है। क्यों खूबसूरत सरोजा, पानी की तरह शांत हो गई? उस तरफ घूम के नहाने से अच्छा इस तरफ घूम के नहाओ ना। अरे यार इसका बैग इतना सुपर है तो। बाप रे, क्यों सुनो, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? बात करो ना। उसकी आवाज नहीं निकल रही है यार। अरे क्या लग रही है यार। अरे ये क्या, इसके तो पैरों पर बाल है। पैर में बाल है तो यार स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली है। अरे यार इसके मुंह पे तो मूछें भी है। ये तो सिनेमा का फाइट मास्टर है। फाइटिंग मास्टर है। क्या है
कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। बताना क्या पूछ रही है? अरे अपना मुर्गी का बच्चा ढूंढने आए थे। नहाने की जगह मुर्गी का बच्चा? भागने वाली मुर्गी को नहाने की जगह, खाना बनाने की जगह पता चलता है क्या? मुर्गी का बच्चा दिखा गया? मुर्गी का बच्चा नहीं, गोरिल्ला दिखा। घर जाकर अपने पतियों को खाना खिलाओ, जाओ। मर्द नहा रहा था तो उसे छुप छुप के देख रहे थे, और इतने दिन से तो यहाँ हम औरतें नहा रही थी, तो तुम कितनी बुरी नजर से देख रहे हो। अरे खुल जा खुल जा, ये खुलता क्यों नहीं है? क्या बात है, इसके नल में पानी आ रहा है, मेरे नल में क्यों नहीं आ रहा? इसमें भी पानी नहीं आ रहा। अंदर एक पागल नल को घुमाते जा रहा था, बिल्कुल लूज फेलो की तरह। पानी कैसे आएगा उसे पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। He's coming. हेलो। ए, मुझे क्या पता था दबाने से पानी आएगा? अब मैं घुमा रहा था तो हाथ में आएगा तो मैं क्या करूं? छोड़ दो भाई। ए, खाने के लिए आया इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे जैसा एक टपोरी खतरनाक गुंडा प्लेटफॉर्म पे सोने वाला 10 बजे खाना खा के घर जा रहा है, और तुम अभी चिकन का ऑर्डर देकर यहाँ आराम से बैठी हो। जब तक बनेगा और तुम खाकर घर जाओगी तब तक तो रात के 1:30-2 बज जाएंगे। ए, तुम लोग आधी रात तक घूमोगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? देखो सुनो, तेरा बाप कहाँ काम करता है? पूना में। ए, पूना बोला था? वहीं पे काम करते हैं। ठीक है, और तेरा बाप? आरटीओ ऑफिस में। इस सेल का बिल भरने के लिए 2,000 रुपए चाहिए, हफ्ते में एक बार ऐसे होटल में खाने के लिए 3,000 रुपए। तेरे बाप का खर्चा, तेरी माँ का खर्चा, कुल मिलाकर कितना हुआ? जरूर तेरा बाप रिश्वत लेता होगा। सुनो, देश को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, और कहते हो कि गुंडों और बदमाशों ने देश को बर्बाद कर दिया है। और ये सब क्या है, जींस पैंट और टी शर्ट के बीच में गैप रख के पूरी दुनिया को दिखाते फिरते हो तुम लोग। हाथ उठाया तो कमर दिखती है, और बैठ गए तो पिछाड़ी दिखती है। सलवार सूट नहीं पहन सकती तुम लोग? अभी बिहारी के गुंडे आकर उठा ले जाए और दुबई में जाकर भेज दे तो फिर रोती रहोगी तुम लोग। फिर कभी नाइट क्लब में तुम्हें देखा ना तो गुटका रगड़ के मुंह में रखूंगा और थूक दूंगा तुम्हारे मुंह पे। मैं नशे में बात नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों से ज्यादा होश में हूँ। चैरपेट निकल रही थी मेरे साथ। क्या यार, पूरी इज्जत ही निकाल दी। इज्जत तो निकाली लेकिन सच बोल के गया। शास्त्री, पूरा पैसा आ गया ना? बहुत शुक्रिया भाई, ऐसे ही काम देते रहिए, अटैक के लिए भी आऊंगा। सुना तुमने, बाबा अटैक के लिए तैयार है। घर में 2 जवान लड़कियां हैं, पैसे मिलेंगे तभी तो उनकी शादी होगी ना। गजनी, गाँव में बीवी को 3,000 भेजना है। भेज दे। ठीक है ठीक है। शास्त्री, तेरी पत्नी गाँव क्यों चली गई? मेरा पीना रोना देकर संभले बिना चली गई। जो भी काम के काबिल नहीं होते हैं उनमें से मैं एक हूँ। स्कूल के जमाने में ही शराब पीकर, सिगरेट पीकर, बड़ों से मार खाकर आखिर में पत्नी भी झगड़ा करके गांव चली गई है। अब मुझे उसे हर महीने खर्चा भेजना पड़ता है। हेलो, बोलिए भाई। गजनी, एक फोन आया, जरा देख लेना तुम। हाँ, मैं देख लूंगा भाई। नाइट होटल वाली लड़की यहाँ कैसे? कौन चाहिए? जाकर कह दो मैं आया हूँ। नाम पूछेंगे तो क्या बताऊँ? गजनी, शॉर्टकट गजनी, जाकर बता देना। बताइए। मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है, डेटिंग में अनजाने में किसी लड़के के साथ बाइक पर चली गई और रास्ते में ही बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक बूढ़ी औरत बाइक से टकरा गई और स्पॉट पर ही मर गई। पुलिस स्टेशन में उस लड़के ने मेरी बेटी का नाम ले लिया है। ये बात अगर लोगों को पता चली तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। ए, चल रहे उतर, भाई बुला रहा है। क्या समझता है खुद को? जिससे प्यार किया उसी को धोखा दिया, कैसा मर्द है तू? वो लड़की खुद मेरे साथ आई। जैसे किसी बुजुर्ग से संबंध न होने पर भी उसे अंकल कहना तमीज है, उसी तरह किसी लड़की को बदनामी से बचाना भी एक तरह की तमीज है, समझा? मुझे भी बचाने वाले लोग हैं। कौन बचाएगा? ताकी नागा के शंकर से बात करेगा, वो लगा तू बात करेगा कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ के रेलवे ट्रैक पे डाल दूंगा। कैसे बाप हो, कैसी माँ हो, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। लड़की का मैटर है इसलिए अभी तक चुप हूँ, नहीं तो तोड़ कर रख देता, हॉस्पिटल पहुंचा देता सबको। सुनो, पुलिस स्टेशन जाकर पुरानी FIR रद्द करवाओ और उसकी जगह नहीं लिखवाओ। अब देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। सुनो, बाहर जाकर इन सब बातों के लिए लफड़ा करोगे? कातिरदारी की जरूरत है तो पहले से बता दे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई। आज की बात ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। जाइए। सर, आपकी बेटी से अलग से कुछ बात करनी है, घबराइए मत। देखो, सोशल होने के नाम पर ये घूमना फिरना बंद करो, माँ बाप का नाम खराब करोगी क्या? देख रही हो इनका दिल कितना दुखी है, इनकी ममता को पहचानो। इस दुनिया में अगर तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा तो वो है सिर्फ माँ बाप,
उन पर भरोसा करो, किसी और पर भरोसा मत करो, समझ गई ना? शास्त्री आज तो एकदम कमाल हो गया, गजनी ने आज हिला कर रख दिया, ममता झलक रही है कहा, आंसू टपक रहे हैं कहा, बॉस बॉस अगर तुम समंदर के किनारे किसी लड़की के साथ गाना गाओगे तो सिनेमा के किसी हीरो से कम नहीं लगोगे। ए मामू ये डेटिंग क्या होती है रे? सेटिंग फिटिंग कटिंग पता है, डेटिंग क्या है किसको पता? ए राजाराम इधर आ। हां ये डेटिंग क्या होती है रे? वो क्या है, एक लड़का और एक लड़की बाइक पे कसका चिपक्का जू बीच तक जाकर समुद्र में मिलकर नहाकर एक ही रूम में ड्रेस चेंज करके कुछ भी करे बिना लौट आए उसको डेटिंग कहते हैं। ये रेप से भी ज्यादा न्यूसेंस है। क्या तू पहले डेटिंग पे गया है बता ना? ऐसा कुछ नहीं है, डेटिंग नहीं करेगा तो जिंदगी में क्या करेगा रे? सच में बताना पड़ेगा क्या? बता भी दे। अब मेरी उम्र 26 साल की है, मैं मंथली 13,000 रुपए कमा रहा हूँ, महीने में 11,000 पगार पाने वाली एक बैंक में काम करने वाली लड़की से मिलकर मैं शादी कर लूंगा। जब मैं 32 साल का हो जाऊंगा तो गोपाल नगर में 30x40 की एक साइट ले लूंगा, उसमें से 1200 स्क्वायर फीट में मैं पैसा लगाकर बिल्डिंग बनवाऊंगा। मेरे बच्चों को मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाई करवाऊंगा। मैं जब 53 साल का हो जाऊंगा वो 23 साल का हो चुका होगा। संभाल के। ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? वो बाबा ने 2000 रुपए मांगे थे इसलिए कंगन दे रही थी। क्यों मांगते तो मैं नहीं देता? ऐसा नहीं है भाई, इतनी बार तुमसे मांगू। बस करो बाबा। ए शास्त्री से बोल के बाबा को पैसे दिलवा। ठीक है। अरे जा रहे मोटू, तुझे दूसरा काम नहीं है क्या? जाना है तो तू चले जा, मैं नहीं जा रहा। सुनिए मुझे गजनी से मिलना है। कौन? 1 2 3 4 5 6 वो गजनी क्या? हाँ ऐसे ही मजाक किया, वही घर है। अरे अपने मर्जी। होटल वाली लड़की यहाँ क्यों आई? तुमसे मिलने आई हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनो, इंसाफ से बेचेंगे तो 2-3 कार्ड से ज्यादा नहीं बिक सकते, वही VIP नंबर है करके बेचेंगे तो तुरंत खरीद लेंगे। वैसे नंबर के लिए 10,000 पे करते हैं ना? वो बताएंगे तब ना, बाद में फोन करके ऑलरेडी नंबर अलर्ट है करके बोल के सॉरी सॉरी कह देंगे, फिर दूसरा नंबर वो ले लेंगे। कुछ होगा तो नहीं? 00001 है ना? हाँ। वो तो अपना फैमिली नंबर है, जरूर खरीदूंगा। अब क्या हो गया? उन्होंने वही नंबर चाहिए कहकर केस कोर्ट में डाल दिया है, ऑफिस वालों ने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब केस मेरे ऊपर है, आप मेरी कुछ मदद कीजिए ना। ए गजनी क्यों कुछ खास बात कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या? बॉस को कन्या राशि मिलने वाली है। चुप रहो। ए हम मामूली गुंडे नहीं हैं। ब्लेड से काटते हैं, ब्लेड से मारते हैं, एसिड लेकर मुंह पे फेंक देते हैं। ईमानदारी से केस वापस ले ले, समझा? बॉस वो लड़की हिरन की तरह क्यों दौड़ते हुए आ रही है? क्यों आ रही है पता नहीं चल रहा है क्या? क्या हमने गुंडों से धमकाई है कहकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए ना। ए क्या क्या तुम लोगों ने ऐसे ही डरा दिया गजनी? उसकी बैंड बजा के हॉस्पिटल पहुंचा दो, तब समझेगा साला। नमस्ते, कैसे हैं साहब? अरे वाह पांडे साहब। गजनी यही है वो नंबर वाला। क्यों क्या लफड़ा दे रहा? नंबर का प्रॉब्लम है, मेरी जान भी जाए तो केस वापस नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि सेम नंबर में मेरा सेंटीमेंट है, मेरा नाम भी काउंट करें तो एक ही आएगा। मेरा घर का नंबर एक है, रोड नंबर भी एक है, मुझे एक ही बाप है, एक ही माँ है, एक ही भाई है, एक ही मामा है, एक ही बहन है, एक ही जीजा है, एक ही दीदी है, एक ही बेटा है। इतना ही नहीं मेरी पत्नी भी एक ही है, मैं अपनी पत्नी को एक ही बार क्या करते हो चुम्मा करता हूँ। और बताऊँ क्या? बस 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 क्या रे, मैं तुझे माइक दिखाई दे रहा हूँ क्या? जो भाषण पे भाषण दिया जा रहे हो। ए फोन वाली लड़की, ये जिद्दी पार्टी है, शराफत से पैसे वापस कर दो। अरे रे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं तो खुद ही कड़की मैं हूँ। ए छिजी चिंता मत करो, ए इसको पैसे दे दे, ये कार्ड वाले को दे देगी। सुनो आज के बाद इस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, केस वापस लेने के लिए साइन करो। ए साइन कर दी। साइन कर दिया ना। ए ये 00001 नंबर को शहर की सभी ऑटो और टैक्सियों पर इमरजेंसी सर्विस नंबर के रूप में लिखवा दो, इस मोटे को नंबर मत देना। बोर लग रहा है, उस नॉट नॉट वन पर फोन लगा। हेलो हेलो, आपके पास पुलिस फोर्स है क्या? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आकर चले जाइए। रॉन्ग नंबर। फायर सर्विस है क्या? पेट में से धुआं उठ रहा है, उठाकर चले जाना। नहीं है यार। हाँ तो एम्बुलेंस सर्विस है क्या? सर में अटैक आया है, आओ पिकअप करके ले जाओ। नहीं है भाई। तुम अकेले तो आओ मोटे साले। कौन हो तुम? अरे मैं तो एक परिचित हूँ मोटे। हम कहाँ बैठेंगे? अरे वहाँ बैठेंगे, चलो। हाँ चलो चलते हैं। ए, गजनी तुम ऑर्डर दो, मैं बात करके आती हूँ। हेलो आप यहाँ कैसे? होटल में क्यों आते हैं? खाने के लिए। ओह तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे पास 0006 का एक VIP नंबर है, तुम्हारा नाम गजनी है और काम भी अच्छा है, दोनों मिले तो अच्छा होगा। एक घूंसा मारूंगा तो बात करना भूल जाओगी, ऑलरेडी मेरा पैसा वापस नहीं मिला है। वो गिफ्ट मिला समझा था मैंने। अगर तुमने जल्दी पैसा वापस नहीं किया ना तो एक लगाऊंगा। ए अगर पैसे ना दे तो 10 सिम कार्ड छीन लेना। ओके ओके ओके
आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए आज पार्टी। बताइए क्या खाएंगे? टेबल, चेयर, बोतलों के अलावा हम सब कुछ खाते हैं। ए, काजल बहुत देर से तेरे भाई से बात कर रही है। मेरे भैया उस दिन तुझे उन्होंने छोटी बहन कहा था ना। ओ ए फोन वाले, हमेशा तुम होटल में खाते हो, तुम्हारा घर नहीं है क्या? मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे मम्मी डैडी पूना में रहते हैं, यहाँ अंकल के घर में पेइंग गेस्ट रहती हूँ। हम तो अनाथ हैं, तुम भी अनाथ हो क्या? मुझे डर लग रहा है भाई, तू क्यों डर रहा छोटे? मेरे रहते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। गजनी देख, गोविंद। गोविंद कहाँ है? राइट साइड टेबल पे। कौन से रंग की शर्ट है? गुलाबी शर्ट। उसका नाम गोविंद है क्या? आप नाम क्यों ले रहे हैं? हम जिसे किडनैप करके लाते हैं उसे गोविंद कहते हैं। ऐसा क्या? किडनैप करेंगे क्या? मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूं। शांत रहो, तय रहा। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, तुम सीधे जाकर लेफ्ट वाले को मारना, तुम राइट वाले पर अटैक करना, गोविंद को मैं संभाल लूंगा, ठीक है? सुनिए ना, मेरे सेलफोन में कैमरा है, ये सब कुछ मैं छूट कर सकती हूं क्या? अटैक करो। दो हजार तीन सौ। सुमो भाई, सुमो भाई। क्या रे? अपने एरिया में पुलिस वाली गाड़ी रुका के रिश्वत ले रहा है भाई। लेने तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या भाई ऐसी बात करते हो आप भी? इस कैमरा में उस सीन को शूट करके कमिश्नर को दिया, समझो आपने, अपना नाम फेमस हो जाएगा भाई। चलो चलते हैं। ए सुमो, नहीं पुलिस से गेम मत खेलो, उन्हें पकड़वाओगे तो लफड़ा बनेगा। क्या यार, छोटे बच्चों की तरह बात करता है, ऐसे हर जगह घूस लेते रहेंगे तो कल इंडिया का क्या होगा? हम लोग उसे छुट्टा घूस लेते हुए देखते रहेंगे? तेरे हाथ पैर तोड़ दिए ना तो किसी काम का नहीं रहेगा। अरे सबूत मिलने के बाद वो मेरा क्या कर सकते हैं, बताओ। चलो मैं जाता हूँ। सुबह सुबह मेरी बात सुनो, जाने दे मुझे। तेरे पास चल दे, नहीं है तो 100 रुपए दे और जा। रिकॉर्ड करो। वेरी गुड। क्यों मूंछों वाले नथुलाल? मुझे मूंछों वाला बोलते हो? तुमको ही यार, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। तो क्या तेरा नाम तो वही है ना? देखो घूस लेने वाले इतने जोर से चिल्लाया नहीं करते, चोरी पकड़े जाने के बाद गुस्सा करना ठीक नहीं होता। तुमने किस किस से कितना घूस लिया इस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, कल सबके सामने रिलीज करूंगा। तुमने मेरा वीडियो बनाया? जी हाँ। ये क्या बात हुई यार, ट्रक वाले से 20 रुपए लेते हो, मोटर बाइक वाले से 50 रुपए क्यों लेते हो? मैं बताता हूँ सर, ट्रक वाला तो हर एक सिग्नल के पास रुक कर पैसे दे के जाता है, वहीं पर बाइक वाला तो कभी भी अपने हाथ में नहीं आता। इसमें इतनी लॉजिक है क्या? तुम अपना मुंह बंद करके रखो। उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बेचारा बाइक पे आ रहा है तो लाइसेंस है क्या कहकर पूछते हो, है कहा तो आरसी बुक है क्या पूछते हो, वो भी कहा है तो इंश्योरेंस के बारे में पूछते हो, फिर कहते हो वन वे में क्यों आ रहे हो? वन वे नहीं है सर, मैं सही आ रहा हूँ तो कहते हो कि इतने ओवर स्पीड में क्यों आ रहे हो, इतने सवाल करते हो। कैमरा आपने मंगाया था ना? जी हाँ सर। कैसे डालना भूल गए? इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। जल्दबाजी में आपको भला भुला कहा, मुझे मत मारिए प्लीज, सुनिए मेरी बात। जैसा चाहा वैसे मुझे तुमने गालियां सुनाई, जल्दबाजी में कहा कहकर। कोई और बुलाता तो हम कभी नहीं आते, नारायण राय की इज्जत है इसलिए हम आ गए हैं बुलाने पे। बलिया में उनका राज चलता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हम जैसे बिजनेसमैन ही उन्हें पैसा देते हैं। अजय तुम्हें उस कौवे की कहानी पता है ना? पता है, कौवे ने जो लड्डू चुराया था। नहीं, कौवे ने लोमड़ी को धोखा दिया हुआ था। लड्डू को चुराने वाला कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर लोमड़ी को भड़काया था। भड़काने के बाद लोमड़ी चुप रहेगी क्या? हैं? प्रतिकार पूरा करने के लिए गुस्से में कौवे को जान से मार दिया। जाओ, अजय राव को धर्मात्मा ने मार दिया, ये जाकर सबको बता देना। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ। गजनी को बुलाकर जाने दो, गर्दन पे छुरी रखकर इंसाफ मांगने वालों में से है। भास्कर को बुलाकर डील करने को कहो। मैडम हमारे ऑफिस के लिए 7 कार्ड चाहिए। 7 कार्ड? जी हाँ। ग्रुप कार्ड लीजिए, आप आपस में फ्री में बात कर सकते हैं और इसका रेंट भी कम है। मैडम हमारे एमडी से बात करेंगे तो वो तुरंत ले लेंगे। कहाँ है वो? देखिए कार में। हाँ? मैं अभी आती हूँ। हाँ? आइए। अरे तेरी फ्रेंड बिहारी के आदमी के पास जा रही है। बिहारी के आदमी? चल रहे अंदर, चल छोड़ो अंदर, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। काजल को बिहारी के आदमी उठा के ले गए। कौन वाली लड़की को बिहारी के आदमी उठा कर ले गए? चलो यहाँ से, बिहारी के आदमियों के पहुँचने से पहले लड़की को बचाना, नहीं तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये हथियार है तेरे पास? गजनी चल। हेलो अकबर, गजनी बोलो, बिहारी एक लड़की को लाया है, वो लड़की उस बोट के पास है क्या? देख। ठीक है गजनी। कौन है रे? बिहारी, गजनी बोल रहा हूँ। कौन है रे तू गजनी? धर्मात्मा का गजनी। तो का? का चाहिए तुमको? तेरे आदमी मेरी पहचान की लड़की को ले गए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ए, हम नायक नहीं हूँ रे, खलनायक हूँ, यहाँ एक भी पैर रखा तो जिंदा नहीं बचेगा। ए, उसे कुछ हुआ ना तो तेरी जान ले लूंगा।
ए बिहारी क्या हुआ? तेरा आदमी गजनी मेरे अड्डे पे आ रहा है, उसे यहाँ आने को मत कहो, उसको रोक दो। अगर वो आया तो हम उसको खत्म कर डालूंगा, समझे? भाई वो मुंबई से लड़कियों को ले जा रहा है, देखकर मैं आंखें बंद कर लूं? गजनी गजनी गजनी, एक लड़की के खातिर तुम क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? भाई वो लड़की मेरी पहचान की है, मैं जरूर जाऊंगा। जाने दो भाई, उस कमीने को मरने दो, बिहारी उसे मार डालेगा। रनिंग टाइम में ऐसा कर रहा है वो गजनी, वो बिहारी सारे गैंग को खत्म कर देगा, सब कुछ गैंगवार में बदल जाएगा, उसकी वजह से नाम खराब होगा। नहीं भैया, उसे ज्यादा समझ में आ रहा है, उसे मारना ही होगा। अरे बद्री, मेरा नाम सुनते ही सारी मुंबई हिल जाती है रे, आपने एक भी आदमी को असल्ट किया तो लोग हमसे डरना भूल जाएंगे। बिहारी गजनी के आने के थोड़ी देर बाद मैं भी पहुँच जाऊंगा, वहाँ कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। अरे तुमको कोई दूसरा काम नहीं है का? जब देखो तब तुम हमारे ही पीछे पड़े रहते हो। पहले उस लड़की को इधर भेज दो, वो गजनी की पहचान वाली है। ये सारे हम किसी के साथ भी पूरे शहर में घूमती रहती है तो क्या इसके कहने पे छोड़ देंगे हम? ए, उस लड़की के लिए एक शब्द भी गलत बोला तो मार डालूंगा। भाई बोलो ना इसको, रुको भाई समझालो उसको। बिहार से आकर मुंबई में रहकर हमसे टकरा रहे हो, पहचान वाली लड़की कहने के बाद भी क्यों इतनी जिद कर रहे हो? कुछ लिए बिना इसको नहीं छोड़ूंगा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। ए, सगी बहन है कहो या तो कहो कि पत्नी है तो फिर छोड़ दूंगा, इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा, किसी के कहने पे भी नहीं छोड़ूंगा। रे उठा रे लड़की को। ए गजनी रुको। ये मेरी बीवी है। रात बहुत हो गई, यहां वहां घूमना मत, यही तेरा घर है ना, जाओ। ए हाँ? चैन देती जाओ, 5 तोले सोने की है। यार सुभाष भाई कैसे हो? अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? ये तो भड़क गया लगता है। तेरी ये मजाल क्या रे, मुंह से कहना काफी नहीं, मार कर पूछना जरूरी है क्या? अब मैं तुझे मारूंगा। मार मार कर कटा गई। भाई तुमको उसने इतना मारा फिर भी तुम चुप खड़े हो? उसने मुझे मारा नहीं है, ये तो ट्रीटमेंट है। दवा है? कैसी दवा है? कुछ नहीं यार, 3 दिनों से खाना को ज्यादा खा लिया था तो एसिडिटी हो गई थी। उस पहलवान को बताया तो उसने पीट पीट कर सारा दर्द ठीक कर दिया, गैस निकाल दिया। हाँ तो तुम जानबूझकर सबसे मार खा रहे हो क्या? तो क्या मेरे परमिशन के बिना कोई मुझे हाथ लगा सकता है क्या? क्या यार फालतू की बात कर रहे हो, सच नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब समझ लो कि तुम्हारा किसी ने गर्दन पकड़ लिया, तुम सीधे जाकर किसी सिरफिरे से पंगा ले लो, गर्दन को मार मार कर भजिया बना देंगे। सपोज तुम्हारे पेट में दर्द आया समझो, डायरेक्ट जाकर किसी से लपटा ले लो,
वो लोग तुम्हें नीचे सुलाकर पेट के ऊपर फटाफट नाचेंगे, गैस बाहर निकल के माइंड फ्रेश हो जाएगा। कलकत्ता जाओ अगर पैर में दर्द आया हो तो, काले लोगों से पैर पे मार खाना, पैर का दर्द कम हो जाएगा। सपोज पुणे गए समझो, वहाँ उनसे लफड़ा करोगे तो वो लोग मारना शुरू किया तो मसाज जैसा लगेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश मत जाना भाई, वहाँ गए तो बम निकाल कर मुंह में डाल देते हैं। लेकिन इस विषय में मुंबई के लोग बड़े लक्की है यार, कितना भी मारो छोटे बड़े पे कभी भी हाथ नहीं उठाते। इस विषय में मुंबई के लोग को मानना पड़ेगा। आता हूँ, अपनी इज्जत बचाने की इतना बड़बड़ करना पड़ा। शास्त्री इसकी बातों में सच्चाई है क्या? गजनी जेके कॉलेज में छोटे को कुछ प्रॉब्लम है, जाकर देखो जल्दी। ए गोपी रघु चलो जल्दी आओ, कॉलेज में लफड़ा हो गया है, भाई ने अभी फोन किया था। ए सुरेश जल्दी चलो चलो ऑटो हमारे पीछे आओ। ऐसा नहीं होने देंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे, एक एक को नहीं छोड़ेंगे समझा, मारेंगे एकदम भगा के मारेंगे, हम देख लेंगे सबका। उनके आने के बाद देखेंगे ना सब। तुमको मालूम है क्या हो जाएगा? ठीक है जल्दबाजी मत करो। क्या हुआ, क्या बात है? बड़ी बेरहमी से प्रोफेसर पे हाथ उठाया था इसने। क्या कॉलेज में आके तुम लोग इधर दंगा फसाद करते हो? शांत रहिए मैं बात करता हूँ। जग्गू जल्दी से इनसे माफी मांग लो, बाद में मैं संभाल लूंगा। भैया ने बचाने के लिए भेजा है या माफी मंगवाने के लिए? जग्गू ये सीरियस मैटर है, अभी इनसे माफी मांग लो, बाद में मैं संभालूंगा, कहा ना, नहीं तो भारी पड़ेगा। नहीं मांगूंगा माफी। माफी मांगने से तेरी इज्जत नहीं चली जाएगी? नहीं मेरी इमेज चली जाएगी। मैडम पे हाथ डालता है, हाथ पैर तोड़ डालूंगा तेरे, कुत्ते कमीने साले, मारो साले को। ए उठा के ले चलो इसको अंदर। सुनिए आप लोगों में से कोई चार लोग पुलिस स्टेशन चलिए, आइए चलो जल्दी चलो। क्या यार ये तो हमें बुद्धू बनाकर उसे लेकर चले गए, उसे तो खत्म कर देना चाहिए। छोटे को बचाकर लेकर आ कहा तो पीट के लाता है कमीना कहीं का। उसे आने दो, बात करते हैं। जगो अंदर जाओ। हमारे पास काम करने वाला कुत्ता हमें ही काटने दौड़ता है, उसे छोड़ देंगे क्या? भाई सॉरी भाई बुरा मत मानना, मैंने जग्गू पर हाथ उठाया, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था भाई। स्टूडेंट होता तो मैनेज कर लेता, पर टीचर का मामला था, बढ़ सकता था, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती तो 15 दिन तक बाहर नहीं आ पाता। उसे सॉरी बोलने के लिए कहा लेकिन उसने माना ही नहीं, जग्गू को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाना पड़ा। भाई तुमने बिल्कुल सही किया गजनी। ए बद्री अपने वकील से कह के एक बेल तैयार करवा लो। मैं पकड़ूंगा तभी तो बेल की जरूरत पड़ेगी ना। ए जीजा आपका भाई, दीदी भी आई है क्या? कहाँ है, किचन में है क्या? दीदी दीदी या, काम करने वाले को अंदर आने के अलावा किचन में भी जाने दे रहे हो? काम वाले को घर के अंदर आने देंगे तभी घर साफ होगा। मेरे 17 साल की सर्विस में मेरे पीछे भी मुझे कोई जीजा नहीं बुलाता है, ये मेरे सामने बुला रहा है। ये मेरी आंटी का लड़का है या इसने मेरी बहन से शादी की है? मेरी बहन को वो दीदी कहकर पुकारता है। हमेशा झगड़े के बारे में सोचते रहो, वो सब ना हो इसीलिए तो पटाकर यहाँ आ गया। क्यों? अरे छोटे भाई से भी झगड़ा मोल लिया तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है दीदी। सही समय पे शादी हो तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी भैया की उम्र 45 साल है, तुम अपना भला सोचे बिना पैसा पदवी अधिकार और भाईगिरी को अपनी दुनिया समझ रहे हो। भाई के लिए गलत मत बोलो, पता है कितने लोगों को रोटी देता है? हाँ ऐसी रोटी खाने से तो अच्छा है भूखा मर जाए। तो तुमने मुझे क्यों रोटी दी? 13 साल की उम्र में गाँव से आया तो भाई ने गाड़ी धोने के लिए रखा, तुमने तो कहा था कि पेट की भूख आंखों में दिखती है और खाना खिलाया था। हाँ उस दिन तुम भोला बनकर अच्छे बच्चे की तरह आए थे, लेकिन आज ठीक है डांटो, तुम नहीं डांटोगी तो कौन डांटेगा दीदी, है ना? भाई शास्त्री ने नाश्ते का पैसा नहीं दिया। हाय गुड मॉर्निंग गजनी, यहाँ क्यों आई हो? मुझे हमेशा आपकी याद आती है, आई थिंक मुझे आपसे प्यार हो रहा है। क्या ए छोटू? हाँ तू जाकर देख नाश्ता तैयार है तो लेकर आ। ठीक है भाई। मेरी बात बिल्कुल सच है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। ए ये लव वाव है ना, ये सब बेकार की बातें, फिल्मों में अच्छी लगती हैं। प्यार करने के बाद दुख मिलता है, मेरी बात सुनो, प्यार में कोई पागल हो जाए तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते और आराम से सोते हैं, एक ही रूम में 15 आदमी रहते हैं, कुल मिलाकर 20 लोग हैं, एक ही संडास यूज करते हैं। तुम यहाँ रह सकोगी? अकल से काम करो, मेरी हीरोगिरी देखकर तुम बेकार में पागलपन कर रही हो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। उस दिन क्या सोचकर तुमने मेरे गले में चैन डाली, उसे मैं मंगलसूत्र समझ बैठी। प्यार असल में सुख में जीना नहीं होता, सोने के ग्लास में पानी पीना और चांदी की थाली में खाना खाना, या अपने मनपसंद साथी के साथ मिट्टी की प्लेट में खाना खाना और छोटी सी चादर में सोना, उसी में जन्नत की खुशी मिल जाती है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मंगलसूत्र फेरों के समय पहनाया जाता है, किसी भी चेन को मंगलसूत्र नहीं कहते। ऐसे तो लोग जुए में भी चेन रखकर खेलते हैं ना, वैसा ही समझो, उन्होंने तुम्हें किडनैप किया और चेन डालकर मैं वापस लिया है। बस हम सब ना बहुत बदमाश लोग हैं, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। खराब हो तुम कैसे बता सकते हो, क्या तुमने किसी का रेप किया है? ए! एक दो को मारा है क्या? नहीं। तुम बुरे हो ये कैसे कह सकते हो, तुम तो मुझे बहुत बड़े पागल लगते हो। ए!
पागल पागल कहा था मार डालूंगा। सच में तुम्हें हिम्मत है इसलिए तुम गुंडों में हो और तुम्हारे पागलपन का इस्तेमाल करते हैं लोग। तुम में जो अच्छा इंसान है वो मुझे दे दो, अगर हिम्मत नहीं है तो बोल दो मैं चली जाऊंगी। मैं जींस वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करता। अच्छा फिर जींस पहनने वाली इस लड़की को क्यों बचाया? मुझ पर भरोसा नहीं है तो बोल दो, मैं डॉक्टर से वर्जिन टेस्ट करा लूंगी और सर्टिफिकेट लाके मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं चाहूँ तो जींस छोड़ के कभी भी साड़ी पहन सकती हूँ, किचन में जा सकती हूँ और वक्त आया तो मैं खाना भी बना सकती हूँ। क्या तुम अपने आप को बदल सकते हो? मैं नहीं बदलूंगा। ओके ओके तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी इस गुंडागर्दी को मैं लाइक करने लगी हूँ। वापस दूंगी या नहीं ये सोचे बिना तुमने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। इतने लोग होने के बावजूद तुमने हिम्मत से बीच में आकर अकेले खड़े होकर मेरे लिए लड़ाई की, मेरे गले में चैन डालकर मुझे तुम वहाँ से ले गए, ये कोई मामूली बात है क्या? उसी में ही अभिमान, दोस्ती, सच्चाई, हिम्मत सब कुछ शामिल है। जब तुमने मुझे गाड़ी में बिठाया था तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी ये सोचकर बैठी थी, लेकिन जब तुमने घर के सामने गाड़ी रोककर मुझसे चैन मांगी तो लगा सब झूठ है, पर मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूं। दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने कहा ना निकल, वापस मत आना। नमस्ते धर्मात्मा जी। क्या हुआ? सीएम और मेरे बीच प्रॉब्लम हो गई, ये चर्चा है। आपके बिना ही? प्रॉब्लम मेरी वजह से है ना। आपकी वजह से? आज मुझे डिसमिस करने वाले हैं। आप क्या बात कर रहे हो? शाम को 4 बजे मेरी कुर्सी छीन जाने की न्यूज आएगी, रात को 8 बजे तक फिर से मुझे वो कुर्सी चाहिए, उसके लिए तेरी जरूरत है। मैं समझा नहीं। टीवी में न्यूज आते ही शहर में दंगा फसाद होना चाहिए, पथराव होना चाहिए, शॉप बंद होनी चाहिए, बस चलनी चाहिए, इन सबसे जरूरी है 5 लोगों की आग में आहुति, ऐसे मरने वाले परिवार के लिए जितना पैसा चाहिए हम देंगे, ये सब कुछ देखकर डर से सीएम जल्दी मुझे कुर्सी दे देगा। लोकनाथ भाई गजनी को बुलाओ। ठीक है भाई। खबर मिली है सारे एरिया में शॉप बंद करवाना है, वीडी स्टेशन मार्केट एरिया में टैक्सी जलाना होगा, महालक्ष्मी के धोबी घाट एरिया में 2 बस को जलाना होगा, चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक सड़कों पर पत्थरों से वार करना होगा। उसके लिए आदमी तैयार कर दूंगा। जरूरी बात, पार्टी ऑफिस के सामने 5 लोगों को आत्मदाह करना पड़ेगा, जितना भी पैसा लेंगे वो हम दे देंगे। आत्मदाह? आत्मदाह मतलब? इसका मतलब क्या होता है? आत्मदाह का मतलब जलकर राख हो जाना, समझते हो क्या? ऐसा? मैं आत्मदाह का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ। तो ऐसा बोलिए ना भाई। शरीर पे घास लेट डालकर जलने के लिए नाटक करने के समय पुलिस आकर अरेस्ट करके ले जाएगी, बस ये सब कुछ एक नाटक है। ओके भाई, इंतजाम हो जाएगा। मैं सोचा सच में करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा भाई, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करेगी, 2 दिन की रिमांड का रिस्क भी है ना। कोई बात नहीं गजनी, हर एक को 15,000 रुपए दे देंगे। तो ठीक है भाई, ठीक है, चलता हूँ। क्या भाई, ऐसा क्यों, क्या नाटक करना है? गलती किया, गजनी को आत्मदाह के लिए आदमी मांगना गलत है, इसके अलावा दूसरे से अरेंज करना मुश्किल है। ए भास्कर भाई, तुम आत्मदाह के लिए आदमी ला सकते हो क्या? शाम तक बोलेंगे तो मुश्किल है भाई। हाँ देखा ना, इसीलिए मैंने प्लान बदल दिया। वो कैसे? ए भास्कर भाई, उन लोगों के घासलेट कैन में पेट्रोल मिला दो, वो डालकर नाटक करने के समय किसी को बिना पता चले उन लोगों को चला दो, गजनी की नजर में ये एक एक्सीडेंट होगा। और क्या, मरने वाले के घर वाले खून के आंसू रोएंगे, उसके बाद पैसा दे देंगे तो वो सब हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो सब बिन माँ बाप के लावारिस हैं। सुनो भैया, इतना रिस्क लेकर उस एमपी की हम हेल्प क्यों करें? अरे बद्री, अपने एमपी के हाथों में ही है, रियल एस्टेट रजिस्टर्ड जैसे सारे डिपार्टमेंट उसके पास है, आज के दिन उसे निकाल दिया तो उसके बाद सीएम भवानी सिंह को जरूर बनाएंगे, और वो अपना दुश्मन है, वो हमें कमाने भी नहीं देगा, कमाया हुआ पैसा बचाने भी नहीं देगा, उसके बाद तेरे सारे बाल निकाल के हम सभी को भीख मांगते हुए मंडी के पास बैठना पड़ेगा। मैंने जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए। तुम सबके लिए काम है। हाँ अभी बताता हूँ गजनी। हाँ? सब कुछ ओके, लेकिन कौन कौन आत्मदाह करेगा अभी तक कुछ पता नहीं। बताता हूँ शास्त्री, अपने बाबा का नाम भी लिख लो। हाँ? उनकी बेटी की शादी का इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजनी, 15,000 में कुछ तो तैयारी कर लूंगा शादी की, आगे देख लूंगा, चलता हूँ। हाँ चलो। अच्छा वसंत के जुड़वा बच्चे है ना, आने में टाइम लगेगा, इसका नाम भी लिख लो। हाँ रघु भाई की कॉलेज फीस के लिए पैसे चाहिए ना, इसका नाम भी लिख लो। क्या रहे भाई, ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं गजनी, 15,000 एक साथ मिल रहे हैं, गांव में माँ को पैसे भेजूंगा तो खुशी होगी, लेटर में लिखा था तकलीफ में हूँ। ठीक है शास्त्री, इसका नाम भी लिख लो। गजनी वो 5वां नंबर मैं बनूंगा गजनी। शास्त्री चाहिए तो ऐसे ही ले लो ना।
तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? ऐसा लूंगा तो वापस करना पड़ेगा। अच्छा मौका है, बड़ा अमाउंट है ना। मैं पत्नी को भेजूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी, उसका मन बदल जाएगा और चली आएगी, ऐसी मेरी आशा है। तो जाओ और हिला कर रख दो, मैदान में उतरे बिना जीत हासिल नहीं होती है। क्या है? क्या समझ के रखा है मुझे? दूंगा एक हाथ। दीदी देखो ना, ये पागल हो गई है, जब देखो तब आ जाती है, परेशान करके रख दिया मुझे। कहता हूं जाओ, जाती नहीं है। मैंने तो सोचा कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है, पर तुम तो दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। चल जा यहाँ से। बड़ी बेशरम लड़की है। बेशरम कहीं की, अभी पैर से चप्पल निकाल के मारती हूँ। चल जा यहाँ से। दीदी इतनी बड़ी हरकत करते हुए एक बार भी तूने सोचा नहीं? अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगी। उद्योग मंत्री बाबू नाई को मंत्री पद से निकाल दिया गया, पार्टी की सभा में मुख्यमंत्री ने खुलासा किया। घबराइए मत, आपके मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नया हुआ पद जल्द वापस मिल जाएगा। ए चलो चलो चलो, जल्दी चलो साहब। ए संभाल के, कोई पद नहीं आना चाहिए। शास्त्री जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगा। चलो चलो। ए मुन्ना तुम अभी तक यहीं हो? मेरी पत्नी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना गजनी। हॉस्पिटल से आते ही तुरंत भिजवा दूंगी। ठीक है, जल्दी चलो। गजनी क्या है? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या है जल्दी बताओ। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं गजनी, सब गलती हमारी है। क्या बात कर रहा है? कल क्या हुआ? कि क्या हुआ बताओ। रुको रुको, क्या तुम सच में गजनी से प्यार करती हो? तेरे जैसी लड़कियां कलरफुल ड्रेस पहनकर चिपकती हैं, उसके बाद बिना दिखाई दिए चली जाती हैं। गजनी से तुम सचमुच प्यार करती हो तो सबके सामने गले लगाकर चुम्मा लेना पड़ेगा, ऐसा गजनी ने कहा है। क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? सालो दिमाग बदलो, बिना मतलब की एक लड़की की इज्जत उतार दी, पागल हरामी कहीं के। नहीं दीदी, हम लोग तो गजनी की मदद करना चाहते थे। अपने जैसे लोगों की, किसी की छोड़ी हुई या किसी की विधवा से ही अपनी शादी होती है, और तुम्हारे जिंदगी में अच्छी लड़की आई तो शादी नहीं करते हो गजनी? कर लेना चाहिए तुमको। कोई भी लड़की एक लड़के से प्यार कर सकती है। गजनी तुमसे जुदा ना हो इसलिए तेरी गुंडागर्दी को पसंद किया उसने। दीदी गजनी के दिल में कुछ नहीं होता तो उस दिन बिहारी से इतना लफड़ा करता था क्या? तुम्हें बताओ, जब तक सोने की चैन गले में रहेगी तब तक कीमत का पता नहीं चलेगा, जब खो जाएगी तब पता चलेगा। वो मुझे भी पसंद है यार, पर कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो रास्ते पे आ जाएगी यार। गजनी हमने उसे बहुत बेइज्जत किया, अगर उस लड़की ने जहर पीकर अपनी जान दे दी तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। जाओ गजनी, जाकर उस लड़की से बात करो, मैंने उस लड़की को बहुत मारा है। नहीं दीदी, मुझे पार्टी के ऑफिस जाना है। वो सब कुछ हम देख लेंगे, पहले तुम यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ गजनी, तुम पहले जाओ। अरे काजल, ओ काजल। ए कौन हो तुम, क्या चाहिए? काजल कहाँ है? मैं उसका पति हूँ। काजल बाद में बात करता हूँ। काजल काजल मुझे माफ कर दो काजल। मानता हूं तुम्हारा अपमान करना गलत था, लेकिन मेरी भी क्या गलती है? तुम्हें तो आकर चुम्मा दिया था ना, तब भी मेरी गलती है क्या? लड़की अगर गले से लग जाएगी तो खुशी से पागल हो जाऊंगा क्या? मैं गुस्सा आ गया था मुझे, इसलिए खींचकर एक लगा दिया। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना? प्यार नहीं करता तो ढूंढते हुए तुम्हारे घर आता? अनजाने में गलती हो गई। सुनो मैं गुनहगार हूं, यही ना, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। कपड़े लेकर चलो, घर चलते हैं। चलो काजल, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। चलो चलते हैं। नहीं मैं नहीं आऊंगी। क्यों, मैंने तुम्हें मारा इसलिए? नहीं, तुम शर्मिंदा हो, मुझे मारा इसलिए प्रायश्चित करने आए हो? ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। मुझसे प्यार करते हो इसका सबूत चाहिए। प्यार करता हूँ तभी तो आया हूँ। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह मैं दिल नहीं बदल सकती। 2 महीने मेरे बारे में सोचो, और जब तुम्हें सच में प्यार हो जाए उस वक्त मेरे पास आना। तब तक मैं ना तुम्हें देखूंगी और ना तुमसे बात करूंगी, और तुम भी प्लीज मेरे सामने मत आना। तुम्हारी पत्नी बनना और तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ये तुम क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब कहा मेरे दिल में तुम नहीं हो तो मुझे बुला रही थी, अब कह रहा हूं कि दिल में हो तो जाने को कह रही हो। 2 महीने क्या, 2 साल भी हो जाए ना तब भी तो मेरे दिल में रहोगी। तो मेरी जान हो काजल, चलता हूं। मुख्यमंत्री होशियार, मुख्यमंत्री होशियार, मुख्यमंत्री होशियार, मुख्यमंत्री होशियार, मुख्यमंत्री होशियार। चुप हो जाओ मेरे और मत रो ना, तुम्हारे बच्चों को तकलीफ होगी। तुम होते तो ऐसा नहीं होता गजनी भैया। आदमी को 2-2 लाख रुपए दो, 5 लोग वहीं जलकर खुदकुशी कर लेंगे ये कहा था ना। अब देखो तो उन्हें सिर्फ 15,000 रुपए देकर जबरदस्ती जान से मार दिया। ये बात अगर बाहर पता चलेगी तो मेरी कुर्सी हमेशा के लिए छिन जाएगी। रात भर में खोई हुई कुर्सी वापस चाहिए कहा था, मिल गई ना। क्या सर, आजकल कौन आत्महत्या करने के लिए आता है? आज 2 लाख नहीं 4 लाख देने पर भी कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लिए कुर्बानी की जरूरत नहीं। सॉरी भास्कर भाई, कुछ दिनों के लिए तुम किसी की नजर में आए बिना छिप जाओ। क्यों भाई? अगर तुम्हें किसी ने जलाते हुए देख लिया होगा तो? किसी ने नहीं देखा भाई। अगर देखा होगा तो? यार प्यार, तुम समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत का क्या होगा? इडियट की तरह बातें कर रही हो। He is the rock of the worst order। डैड, उन्हें ऐसे मत कहिए। आप जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। लवर ओके, फ्रेंड ओके, ये क्या पति जैसा इन बिटवीन? डू यू हैव अ सेक्स विद हिम? What a cheap thought। बड़े होकर भी आप मुझसे इस तरह का सवाल कर रहे हैं? अगर वो गुंडा नहीं होता ना तो आज मेरी लाश किसी समंदर में बह रही होती या तो बर्बाद होकर एक जिंदा लाश बन गई होती। मुझे सम्मान देने वाला गजनी है। देखो बेटी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, सारे विषयों में अव्वल हो, सही फैसला लेना चाहिए, इसलिए तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। साइकोलॉजी पढ़ाने वाले आप हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने वाली मैं हूँ। आई नो बेटर साइकोलॉजी। ओके ओके, किसी औरों की बातों पर विश्वास करके मुझे यहाँ आना पड़ा, मैं समझ गया। बट अच्छा या बुरा मुझसे बेहतर तुम जानती हो। भैया मेरी खातिर 2 महीने और संभाल लीजिए। पैसे ले रहे ना तो संभाल लेंगे। अरे क्या करूं, मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारे सिर पर ये खून के निशान कैसे? फ्लाइट से नीचे गिर गया भाई। फ्लाइट में से? हाँ, पेशाब जाने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा तो मेन डोर खुल गया भाई, फट करके नीचे गिर गया। अरे वो तो मेरा टाइम अच्छा था कि जुहू बीच पे गिरा, कहीं और गिरता तो क्या हश्र होता। अरे यार ये तो कह रहा है कि फ्लाइट से नीचे गिरा है। अरे बटले क्या रे, ये गले पे खून कैसा है? रेलवे ट्रैक पर सर रख के सो गया था सुमो। 4-5 ट्रेन मेरे गर्दन के ऊपर से निकल गई। ट्रेन? जी हाँ, एक आदमी सोया ये बोल का सोचे बिना ही चले जा रहे हैं। पता नहीं उन्हें किसने लाइसेंस दिया है। ये कह रहा 4-5 ट्रेन गले के ऊपर से निकल गई। भाई वहां से एक आदमी अपनी तरफ आ रहा है, अब वो क्या बताएगा? अरे आने दे, आने दे, देखते हैं ये क्या बताता है। मुझे भी तो डर लग रहा है। ए भाई, ए भाई क्या भैया, ये तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं तुम जाओ। आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं यार, तुम जाओ, जाओ। यही ना सोच रहे हैं कि मेरे शर्ट पे कीचड़ कैसे लगा। कुछ नहीं भाई, मैं ऐसे सड़क पे सोया हुआ, एक बुलडोजर आया मेरे ऊपर से चला गया। अच्छा वो बच गया, कुछ देर और मेरे ऊपर रहता तो मैं मर ही जाता। चलता हूँ भाई। ये क्या भाई, टमाटर की चटनी मुंह पे लगा लियो क्या? क्या रे, टमाटर की चटनी क्यों लगाई है पूछ रहा हूँ। इसे तेरे गांव में टमाटर की चटनी कहते हैं? अरे भाई लाल लाल दिख रहा, देखने से पता थोड़ी चलता है। लाल रहेगा तो टमाटर की चटनी ही है क्या? अरे खून, तेरा खून है या टमाटर की चटनी है? अभी बताता हूँ तुझे, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। टमाटर बोलता है। सर आप यहाँ कैसे? मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ। वो तो अभी पढ़ रही है ना? अच्छा रिश्ता मिल गया है इसलिए शादी कर रहा हूँ। सर आपने पैसे दिए इसलिए आपके घर आकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसके लिए मुझे इनवाइट करने की क्या जरूरत है? मैंने जब तुमको पैसे देकर उस लड़के को धमकाने के लिए कहा तो तुमने अपना काम किया। उसके बाद इस दुनिया में अगर उसको कोई धोखा नहीं देगा तो वो तुम्हारे माँ बाप है, ये तुमने कहा। मैं आऊँगा तो आपका अपमान होगा सर। इज्जत इंसानों के पास नहीं,
दिल में होनी चाहिए, तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। क्या गजनी, शादी में चलें क्या? जाऊंगा, वहां काजल आएगी ना, उसे एक बार देखना है यार। आओ 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 गजनी आओ। नमस्ते। नमस्ते। ले रख। ये मुझे नहीं चाहिए भाई। हा? ये पैसा ही मेरे भैया के मरने की वजह है, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। तेरा नहीं भाई चाहता था कि तू पढ़ाई करे। ले रख, ले। गजनी, शिवा ने मरने से पहले तेरा और भास्कर का नाम याद किया था। गजनी ले ले जाओ। हम भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, खाली केरोसिन होता तो ठीक था, पेट्रोल मिलाने की वजह से शरीर ज्यादा जल गया। डॉक्टर, अभी पेट्रोल कहा आपने? हाँ, लेकिन ये सब तो केरोसिन डालने से। केरोसिन और पेट्रोल मिलाने की वजह से सभी मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी आपने? क्यों रे, हमने तो सिर्फ केरोसिन भेजा था ना। हाँ भाई। शिवा भास्कर का आदमी है? नहीं। तो उसने भास्कर का नाम क्यों लिया? पता नहीं भाई, मुझे भाई से मिलना पड़ेगा। गजनी को भास्कर पर शक हो गया है, भास्कर अगर गजनी को मिल गया तो सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ तो भास्कर को खत्म कर देंगे। हाँ भैया, ऐसे समय में भास्कर को खत्म कर देंगे तो गजनी का शक हम पे होगा। तो क्या करेंगे? भास्कर को नहीं खत्म करेंगे, गजनी को खत्म कर देंगे। गजनी, मैं भाई बात कर रहा हूँ। भाई कहाँ हो भाई? मैं साइड से निकल कर घर जा रहा हूँ, तुम घर आ जाना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। भाई उसे मैं खत्म करूंगा। हम में से किसी को भी इसमें इन्वॉल्व होना ठीक नहीं होगा। हम खत्म करते समय अगर मिस हो गए तो वो हमें खत्म कर डालेगा। खत्म करने की बात बाहर पता चल गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिहारी को फोन करो। लेकिन हम क्यों बिहारी को फोन करेंगे? बद्री, एक बकरे की बलि देना हो तो उसे कसाई के पास भेजना ही पड़ेगा। मैं धर्मात्मा बात कर रहा हूँ। अब बोलो। एक जरूरी काम है। हम अभी मुंबई में नहीं हूँ, बिहार में, वो अपने गांव में। क्या बात है, फोन पर बताओ। तुम्हारा हमारा एक ही दुश्मन है, उन पांच लोगों को मारने वाले तुम हो कहकर मैं गजनी से कहूंगा। वो गुस्से में तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पास आएगा, उसे वहीं फिनिश करना है। ओके। मिस नहीं होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे धंधे में दखलंदाजी नहीं करूंगा। भाई 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 भाई, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि केरोसिन में हमें धोखा दिया गया है। गजनी, भास्कर ने धोखा दिया है। या क्या कह रहे हैं भाई? उस बिहारी ने भास्कर को पैसे से खरीद लिया था, अपना नाम मिट्टी में मिलाने के लिए पांच लोगों को जला दिया। बिहारी? हाँ गजनी, अपने बिजनेस को बर्बाद करने के लिए ऐसा काम किया है। ये कैसे हो सकता है? बिहारी ने फोन पर बताया, भास्कर बाजू में ही था। जान से मार दूंगा भाई, बिहारी को, भास्कर को, सबको मार डालूंगा। ए गजनी, ऐसा नहीं हो सकता, बिहारी अपने गाँव में है, एक तरह से उन पांच लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। चलो चलो। भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है मुझ पे। आप किस लिए? मेरे रहते हुए आप क्यों जाएंगे? मैं खत्म करूंगा, आपका नाम लेकर मैं उसके गांव में जाऊंगा और एक ही झटके में उसका सिर काट कर ले आऊंगा। अरे चलो गजनी, गजनी संभाल के। बिहारी, ए गाड़ी रोक। क्या हुआ गजनी? दिल में कुछ गड़बड़ लग रही यार, छोटे जग्गू की नजर कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। उस दिन की कॉलेज के बाद दिल पे लेके बिहारी को फोन न कर दिया उसने। ये गांव बिहारी का अपना है, अगर उसे आने का पता चल गया तो हम बचेंगे नहीं। गजनी, किसी को भी असॉल्ट करने जाते थे उस समय भाई तुमको घोड़ा देता था ना, मर्डर करने जा रहे हो ये जानकर भी क्यों घोड़ा नहीं दिया? ए टेंशन में देना भूल गए होंगे। नहीं भाई, 10 दिन से भास्कर की लापता होने की खबर किसी ने भी नहीं दी भाई। वो सब छोड़ो, मुझे तो छोटे जग्गू पे शक हो रहा है, बिहारी के गांव में जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। ए सुमो को बुला, वो बिहारी के गांव के हालात पता करेगा। ठीक है, सेल फोन बंद कर दो, कोई कांटेक्ट ना कर पाए, नया सिम कार्ड डाल दो। ए कौन हो तुम? अरे मैं सुमो बम्बैया हूँ। अरे बम्बई से आया तो बिहारी भाई के गांव में क्या काम है? अच्छा ये बिहार है? अच्छा तो देख, मैं जिसके बारे में पूछ रहा हूँ उसके बारे में बता मुझे, जानता है तू क्या? ए भाई है? तुमको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए बोले तो, क्या चाहिए पूछ रहा हूँ। मैं रियल एस्टेट का आदमी हूँ, यहाँ कोई अच्छी जगह मिलेगी क्या? ये देखने आया था। हाँ आइए दिखाता हूँ। ये क्या, आपके गांव में गाय चराने वाले मोबाइल से बात करते हैं? बिहारी का आदमी है। बिहारी का आदमी है? इस गांव में बिहारी ने गाय चराने वालों से लेकर घर के नौकर तक सबको मोबाइल दे रखा है। गाँव में कोई एंटर हो तो उसके मैसेज मिल जाता है।
ये क्या बकवास भरी बात कर रहा है, ये तुम क्या बिहारी बिहारी की बात कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ बिहारी भाई हैं, तुम्हारे यहाँ मुंबईया डॉन है, समझे? और तुम लोग भी भगवान को नहीं मानते, हम जितना भगवान को मानते हो तुम लोग क्या मानोगे यार? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इतना नहीं मानते, यहाँ पे हम शंकर दादा को मानते हैं। व्हाइट पैंट पहनेंगे तो जेंटलमैन, धोती पहनेंगे तो गांव वाले। तुम्हारे यहाँ सिंगाड़ा फेमस है, तुम्हारे यहाँ वड़ा पाव फेमस है। आप तिलक लगाते हैं, हम सबको तिलक लगाते हैं। मोटो जरूरत पड़े तो टकला बना लेंगे। भाई एक बार में टकला बना दो ना, हमारा सारा माल छीन कर ले गए और हमारी सारी प्रॉपर्टी भी छीन कर ले गए। वहाँ पर दौलत चौड़ सब लोगों को अच्छा खासा चूना लगाया तुमने, हमें क्यों धोखा दिया? अरे क्यों रो रो कर आंसू बहा रहे हो? मेरे पास तो एक ही काम है, आपके गांव वाले तो कितने काम करते हैं, आपके गांव वाले करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं अपने गाँव में, और तुम फालतू का रोना रो रहा हो। अरे चलो हटो मेरे सामने से, हटो। मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, गाय चराने वालों से लेकर घर का काम करने वाले तक सबको मोबाइल दिया है बिहारी ने। गांव के चारों तरफ कोई भी आए 2 किलोमीटर पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है बिहारी को। घर के चारों तरफ 40 फीट तक आदमी रखवाली करते हैं। उस घर के पीछे बड़ी नदी है, घर तक जाने के लिए वही एक रास्ता है। एक और जरूरी बात, कल गायों का मेला है, गांव में कोई भी नहीं रहेगा, वही सही टाइम होगा। ए गोपी, तुम और सत्या जाकर टकले हो जाओ, ठीक है? भाई क्या पढ़ रहे हो? अरे चुप रहे। अरे ए, ए, रुको उसे, अरे अरे मारो उसे, कौन है? धर्मात्मा, मैं बिहारी बात कर रहा हूँ, गजनी को खत्म कर दिया हूँ। सुपर बिहारी सुपर, तुम मुंबई के हार्बर लाइन में ही नहीं, उधर कांदीवली, इधर बोरीवली, चर्च गेट के जो भी एरिया में जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो उसे उठा सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊँ। उस गजनी की लाश भी इस तरफ नहीं आनी चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओ को खिला दो। अब पता चला ना, 5 लोगों को मारने वाला वही है, और बताता हूँ गजनी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने को कहने वाला भी वही है। तुझे छोड़ दिया तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फोन करके मुझे मरवा सकते हो। आज के बाद शहर की किसी लड़की को तुझसे तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं। तुम कैसे जिंदा कैसे बच गया, यही ना? नहीं गजनी, तुम तुम्हें तुम्हें ए बोलना बताना बताना कमीने की औलाद, बता, जुबान क्यों बंद हो गई तेरी, बताना। तूने दीवार पर सर मारने को कहा तो मारा, पहले बाद में पूछा क्यों कहा? मेरी जान लेने की बात तुम्हारे दिल में आई कैसे? तुमने जिसको कहा मारो उसको मारा, जिसको कहा गाली दो उसको गाली दी। जब भी मैं आपको भाई कह के बुलाता था तो आवाज दिल से निकलती थी, मेरे जुबान से नहीं निकलती थी, पर तुम में से किसी ने भी मुझे अपना भाई नहीं समझा। तुम्हारे लिए तो गजनी का मतलब घर का कुत्ता, एक मेहनती, झूठा खाने वाला एक नौकर है ना, है ना? मछली का दुश्मन जाल, सांप का दुश्मन चींटी, पुलिस का दुश्मन चोर, और गुंडे का दुश्मन गुंडा ही है।
नहीं चाहिए, ये काम मुझे नहीं चाहिए। भरोसा करने वाले को जिंदगी भर की वफा का ये सलाह दिया तूने? तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी को भी जला सकते हो, लेकिन जिनकी भलाई के लिए मैंने उन्हें बुलाया था तूने उन्हें क्यों जलाया? उनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है इसके? तो याद रख, मेरा भी कोई नहीं है। ये मामूली आदमी तेरे जैसों की कैसे वाट लगाएगा ये देख लेना। क्यों 5 लोगों को जलाया, क्यों गजनी से दुश्मनी ली, इसके पछताएगा तू। भाई भाई कहकर पीठ में छुरी भोंकने के लिए अफसोस होना चाहिए तुझे। ए, तुम सबका विनाश कर दूंगा मैं, विनाश कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। माफ कर दे मुझे, मुझे माफ कर दे। धर्मात्मा से कोई भी दुश्मनी करता तो उसकी मौत धर्मात्मा के हाथों से ही लिखी जाती थी। या इसी बात का बदला लेना चाहते हो ना? यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तब ना। डरा रहा है क्या? मुझे पागल समझता है क्या? दिमाग सिर्फ तेरे पास है, मेरे पास नहीं है क्या? तेरे आदमी तेरे साथ है इसलिए हिम्मत दिखा रहा है। ये बता तेरा छोटा भाई कहाँ है? क्या कहाँ है? फोन करो, फोन करो, फोन दे, फोन लगा रे। भाई ये तो छोटे का मोबाइल है, छोटे का मोबाइल। गजनी जग्गू कहाँ है? ए, मेरा भाई कहाँ है? गजनी जग्गू कहाँ है? जब मैं जाऊंगा तब बात करेगा, अगर नहीं गया तो बात नहीं कर सकता। छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो भैया। हो जा, मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे जग्गू चाहिए। अरे गजनी, मुझे उठाकर लाया है, जिस थाली में खाया उसी में छेद करता धोखेबाज। कह रहे कैसा धोखा? 5 मासूम लोगों को जिंदा चलाने वाला तेरा भाई धोखेबाज है। भाई बहन प्यार अभिमान भरोसा विश्वास का मतलब जानते हो तुम लोग? 5 साल पहले तेरे भाई को ड्राइविंग करके ले जा रहा था मैं, अचानक हमारी गाड़ी दुश्मनों के ट्रक ने उछाल दी। तेरे भाई को कुछ न हो जाए इसलिए एक हाथ से उनको और दूसरे हाथ से स्टेयरिंग पकड़कर मैंने ब्रेक मारा। सर पे स्टेयरिंग लगने से खून निकलने लगा, इतने में किसी ने चाकू से वार किया, पूरे शरीर पर खून ही खून था, कांच ही कांच थे, फिर भी मैंने उन्हें बचा लिया। हॉस्पिटल में आंख खोली तो मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि अपने भाई को मैंने बचा लिया। जब पता चला कि भाई ने बिहारी को मुझे खत्म करने के लिए कहा तो गुस्सा नहीं आया, आंखों में आंसू आ गए थे। क्या रे, लड़कियां देखकर खुजली होती है, माफी मांगने में शर्म आती है, तुम्हें बचाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। नहीं गजनी, नहीं। तुझ जैसे दरिंदों की कारिस्थानियां देखता रहा, इस बात की सजा दी है भगवान ने मुझे। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अब तू किसी पे हाथ नहीं डालेगा। नहीं गजनी। किससे बात कर रहे हो? ए धर्मात्मा, अपने भाई को आखिरी बार देखना चाहता है तो घर के बाहर जाकर देख, वहां पड़ा है तेरा छोटा भाई, उठवा ले उसे। जग्गू, जग्गू, मेरा भाई, जग्गू, नहीं। भैया, उस गुलाम ने अपने छोटे का हाथ काट दिया। भैया, मैंने पहले ही कहा था आपसे, उसे कट कर देना चाहिए था, आपने सुना नहीं। भैया जग्गू, दुखी मत हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। भैया उसका रोना सुना तुमने? भैया छोटे को देखो, भैया रो रहा है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी रोना मत, कोई भी रोना मत। अरे मैंने कहा रोना मत, रोना मत, रोना मत। ये मेरा भी छोटा भाई है, हम देख लेंगे, हम तीनों भी जिंदा हैं। मैंने कहा ना कि उसे नहीं छोड़ेंगे। रोना मत, अरे रोना मत। भाई गजनी ने फोन किया। भाई दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, अब तुझे पता चला जिनको तूने जलाया उन्हें कैसा लगा होगा? अब हर रोज तू उसे याद कर करके रोएगा। मेरे घर का झूठा खाना खाने वाले जानवर हो तुम, पीछे से वार करते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर पे बैठ के बकवास कर रहा है, लेकिन मैं मैदान में उतरा हुआ हूँ, मेरा अगला शिकार तेरा दूसरा भाई है, जिस दिन मिल गया उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने चाकू तलवारें बंदूकें जो कुछ भी है सब तैयार रखना। भैया, भैया क्या कह रहा है वो, मुझे बताओ भैया, मुझे बताओ भैया। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, खत्म कर दो उसको, खत्म कर दो। चलो रे भाई, पता नहीं गजनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भाई जल्दी करो रे, ढूंढो उसको। पता नहीं भाई गजनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कुछ हो गया मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी इज्जत नहीं है क्या मेरी? तुम्हारी बहन से मैंने शादी की है, तुम्हारी तकलीफ मेरी नहीं है क्या? जीजा जी, वो हम देख लेंगे, आप डिपार्टमेंट के आदमी हो, आप अपने काम पे जाओ। ए तुम क्या उखाड़ लोगे? खाने के लिए हाथ ना हो ऐसा कर दिया है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उसे? काम वाले को घर के अंदर आने दिया तो घर साफ रखेगा, कहा था ना, साफ करके दिखा दिया उसने। मुझे तुरंत ही आज अभी मुंबई के लिए ट्रांसफर ऑर्डर मिलना चाहिए, दिलवा दोगे? शूटिंग ऑर्डर हाथ में लेकर उस कमीने को मार डालूंगा। गजनी है क्या? कभी इस बस्ती में इतनी चहल पहल रहा करती थी काजल, पर अब देखो यहाँ कितना सन्नाटा छाया हुआ है।
अब उसे मिलना नहीं होगा क्या? किसी से खबर पहुंचा दूंगी काजल। काजल एक मिनट, उस दिन मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत मारा, दिल में कुछ भी नहीं रखना, मुझे माफ कर दो काजल। अरे तुम गजनी से प्यार नहीं करती, तुमने ऐसा कहा है ना, पर वो बहुत अच्छा लड़का है, दया करके तुम उससे शादी कर लो। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ किसी भी तरह तुम्हारी शादी उससे हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत दिल से चाहता है। दीदी प्लीज अब रोइए मत। काजल गजनी गाड़ी में बैठा है। पसंद नहीं हो, कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम्हारी बात सच थी, जल्दबाजी में प्यार नहीं होता, वो सब एक भ्रम था। नहीं, तुम्हारे दिल में कुछ और है। तुम्हें मारने का पछतावा था, इसलिए तुमसे शादी की बात की। अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, मान गई होती तो 2 महीने में बदल भी सकता था। समय देने के लिए थैंक्स। 2 साल भी हो जाए ना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या पता, कहने से समझना चाहिए ना। समझ में अगर ना आए तो मेरी बात सुननी चाहिए। कॉलेज में दिल की पढ़ाई कर रही हो ना तुम, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मिल गया तो हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। उतरो उतरो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ए जल्दी गाड़ी में क्यों चढ़ रहा गधे कहीं के? ए किसे गधा कह रहा है तू? बताता हूँ। ओके मानता हूँ। अरे ये तो मेरी चाकू से बहुत बड़ी है, समझ गया ना, शराफत से अंदर जाकर चुपचाप बैठ जा। अरे तो शराफत से कहो ना भाई, हथियार दिखाकर डराते क्यों हो? जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ये औरतों की सीट है। औरत का हो या मर्द का हो, मैं बैठूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा है? चलो जरा उधर खिसको, हटो। बेशर्म कहीं का। तेरा नाम क्या है? क्यों पता हो तो नाम से बुला सकता हूँ ना। तेरी नानी की नानी झांसी की रानी। अरे नाम तो बहुत बड़ा है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 26 साल। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? पता हो तो तुम्हारी भी टिकट ले सकता हूँ ना। मेरी टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस टिकट को देखकर कौन टिकट मांगेगा? तेरी शादी हो गई है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? शादी हुई तो ठीक है, नहीं तो ऐसे हाथ तो रख सकता हूँ। मेरी शादी हो गई। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा बता तेरा पति क्या काम करता है? कंडक्टर है। ओ कॉन्ट्रैक्टर? क्या भैरे कहीं के सुना नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर नहीं कंडक्टर है। ओ कंडक्टर मतलब टिकट लेकर जो पैसे खींच लेता है वही ना। वैसे कौन से रूट पे काम करता है? इसी रूट पे रे। ये क्या बात करते करते अचानक आवाज मर्दों वाली हो गई तुम्हारी? अरे कमी ने सुना ही नहीं देता क्या, ये मेरी नहीं मेरे पति की आवाज है। औरतों को सताता है आज मैं तुझे सुनता हूं। अरे बाप रे, कंडक्टर को सीटी पकड़ना चाहिए, हथियार क्यों पकड़ा है? उसे सिर्फ हथियार पकड़ना आता है, चलाना नहीं। बाल बाल बच गया मैं तो। गजनी कैलाशपुर से जमीन बेचने वाले सारे किसान मुंबई आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कंफर्म, त्रिनाथ वहाँ जरूर आएगा। कागजात पर साइन करने से पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। तेरी तो क्यों रहे? मुझे बताया बिना उसे मुंबई भिजवा दिया। मुंबई जाना इतना आसान है क्या? उससे बढ़कर पैसा है क्या? ये बात अगर गन्नी को पता चली तो? नहीं पता चलेगी जी, जी कोई चांस ही नहीं है, भाई के साथ अपने आदमी गए हैं। कुमकार शेर किसी से नहीं डरता, पंजे से मारेगा। जीजा जी उसने मुझे मारने की धमकी दी थी, बद्री को जान का खतरा नहीं है। जैसा कहा है वो वैसा करेगा, वो कोई हरिचंद्र है क्या? मिले वो शिकार को छोड़ दे, वो कोई पागल है क्या? तुम सभी बिलक आपके फालतू आदमी हो, जाए। हेलो बांद्रा पुलिस स्टेशन, मैं एसपी बात कर रहा हूँ। साहब कहाँ हैं? साहब अभी कुछ काम से बाहर गए हैं। बद्रीनाथ कहाँ हो तुम? रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हूँ भाई साहब। हाँ तो वहीं रहो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कितनी स्पीड में चला रहे हो? 90 पे है सर। 190 में जाने दो, नहीं तो एनकाउंटर में नाम लिखकर तुम्हें शूट कर डालूंगा मैं। अंदर क्या चल रहा है? रजिस्ट्रेशन चल रहा है भाई। मैं बाहर खड़ा हूँ। ये लीजिए पैसा। पैसा दे रहा है भाई। अंदर आ जाऊँ क्या? अंदर साइन हो रहा है। गजनी नहीं गजनी। ए भाई भाई कहता था उसे, एंड टाइम पे सेंटिमेंट जाग सकते हैं। बाद में रजिस्ट्रेशन है, आप आ जाइए।
गजनी थोड़ा पी लो गजनी, दर्द का पता नहीं चलेगा। थोड़ा पी लो गजनी, दर्द कम हो जाएगा। पी लो गजनी थोड़ा। नहीं यार। ए, अब क्या करें? पापा हॉस्पिटल के पास पुलिस होगी, जल्दी से पहन के घर ले चलो। लेकिन वो तो अभी डॉक्टर पढ़ रही है ना। कोई बात नहीं। ए, काजल साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा, फोन कर। ए, गजनी को पता चलेगा तो गुस्सा हो। वो बाद में देख लेंगे, तू पहले फोन लगा। दिल के तुम मेहमान हो, हाँ मेरी तुम चाहो, बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखलाए। गोली लग के गई है, हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं मेडिसिन लिख के देती हूँ, जल्द से लेके आना। ये क्या, आप सफेद कागज पर लिख कर लाए हैं? ये दवाइयाँ डॉक्टर के परमिशन के बिना नहीं मिलेगी। डॉक्टर, अब मेरा भाई कैसा है? पुलिस, गुंडे, लॉयर, डॉक्टर लोग सभी मिलकर अगर प्लान करके ऑपरेशन थिएटर में काटेंगे तो ऐसा कैसे रहेगा? पूरे 26 वार हैं, सिर्फ जान बची है, जिंदा भी है लाश के समान। गलत किया रे, बहुत गलत किया रे। भैया, भैया, हेलो। मेरा नाम लक्ष्मी है, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए, आप निकाल के रखिए, मैं लेके जाती हूँ। कौन सी मेडिसिन चाहिए मैडम? 2 माइक्रोप्लास्टर, 6 बैंडेज। ठीक है, आप आ जाइए मैडम, आ जाइए। सर, मैं लक्ष्मी। ये लीजिए दवाइयाँ, दवाइयों की चिट्ठी दीजिए। कितना हुआ? 485 रुपए हुए। मैडम, दवाई की चिट्ठी देने को बोला तो मैं पैसे देकर जा रही है। दवाई की चिट्ठी दीजिए, दवाई की चिट्ठी दीजिए मैडम। ये क्या हुआ? आनंद नगर, गोरेगांव, ग्रांट रोड, ये सारे चेक पोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस रूट से वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकता। गोपाल नगर के बीच रास्ते से आकर गलीम फोर्ट रोड से निकल के गोल्फ रोड के पीछे आकर इस तरफ जीपी रोड पे आने का मौका नहीं है। उस तरफ मिड चौकी है, वहाँ चेक पोस्ट है।
इन सब के अलावा एयरपोर्ट के पीछे एनएनपी कॉलोनी है। उस दिन मेरे साले ने बताया था कि जब वो बात कर रहा था तो फ्लाइट की साउंड आ रही थी। वो ऊपर उड़ने वाली फ्लाइट नहीं थी, एक टेक ऑफ फ्लाइट थी और एक लैंड होने वाली फ्लाइट थी। एयरपोर्ट के पीछे शहर में सिर्फ एक ही जगह जो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। वो देखिए आ रहा है। क्यों तुम शूट नहीं कर सकते? पगार नहीं लेते हो क्या? ये दिवाली की बंदूक है क्या? सारे पाप मैं अकेला करूं? अजय गजनी, बात करो गजनी। गोपी कहाँ है यार? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है गजनी, उसे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर बहन को बुला। क्या बात है मुझे बताओ गजनी। डॉक्टर बहन से कहना कि मुझे गोली लगने की बात वो काजल से न कहे। बेचारी काजल, पता चलेगा तो दुखी होगी। अभी तक उसे बहुत दुख दिया है। बेचारी काजल से मत कहना। सर, हाथ में पट्टी कैसी? नीचे से गिरा था या ऊपर से गिरा था? शर्म नहीं आती? खुलेआम एक लड़की धोखा देकर दवाइयां लेकर भाग गई बोल रहा है, मुस्कुरा रहा है। तेरे जैसे को क्यों चाहिए व्हाइट पैंट शर्ट? साड़ी पहनकर घर में बैठ जा। सच में वो घाव पे लगाने वाली दवा थी ना? उस दवाई से ऑपरेशन भी कर सकते हैं सर। इससे पहले तूने उस लड़की को देखा है क्या? नहीं देखा सर। हाँ, अरे लोकनाथ, इस टपोरी लड़के को सीक्रेटली हेल्प करने वाली लड़की कौन हो सकती है? उसका चक्कर किसी लड़की के साथ था क्या? वो बिहारी एक लड़की को उठा ले गया था तो हम सभी गए थे। ए, वो लड़की कौन थी पता है? नहीं मालूम। जब पूछा कि उस लड़की को पहचानते हो तो बिना शर्माए बोल रहे हो कोरस में थू। तुम मुझे अवॉइड करोगे और मैं खुशी से रह लूंगी, ये कैसे तुमने सोच लिया? मुझे सब कुछ पता है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम्हें धोखा पसंद नहीं है ना? मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चौंक क्यों रहे हो? तुम हजार खून कर दो, मैं नहीं डरूंगी। तुमने अपना रास्ता बदल दिया, तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो, यही सोच रहे हो ना तुम? ये सच नहीं है। तुम नहीं मिलोगे तो मेरा जीना बेकार है। जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, यही सोचकर डरते हो ना तुम? क्या तुम्हें मुझ पे भी भरोसा नहीं? तुम्हें एक साथी की जरूरत है, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शर्माए बिना मेरे गले लग जाओ। अगर रोना चाहते हो तो जी भी रो लो, दिल के अंदर का बोझ हल्का हो जाएगा, जीवन में नया भरोसा मिलेगा और नई हिम्मत मिलेगी। जब मुझे बचाने के लिए कोई नहीं था, उस वक्त तुम अकेले सबका सामना करके तुमने मेरी हिफाजत की। अब इस मोड़ पे मेरा भरोसा तोड़ के मेरे दिल में नफरत पैदा करने की अब बिल्कुल कोशिश भी मत करना। गजनी की खातिर एक कार चुरानी है तो यहाँ क्यों ले आए हो भाई? कार से आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ उतर कर पेशाब करता है। ये पेड़, ये जगह, यहाँ से आने वाली बदबूदार बास, तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो अपना टैलेंट है भाई। उस तरफ से एक कार आ रही है। आने दे, आने दे, आने दे। मेरे हिसाब से उसने वहाँ गाड़ी रोकी है। रोकी है भाई? गाड़ी का दरवाजा खोला क्या? खोला भाई। उसमें से आदमी बाहर निकला क्या? निकला भाई। निकल कर जा रहा है ना? हाँ भाई। पेशाब करने जा रहा है ना? हाँ भाई। चलो कार चुराने सही है क्या भाई? इसे चोरी नहीं कहते रे पागल, क्या बात करता है? पागल क्यों कह रहे भाई? क्या इसीलिए जाकर हम किसको देते हैं? गजनी को देते हैं। गजनी अपना काम पूरा करके हमें गाड़ी वापस देता है, इसे हम चोरी किए प्लेस के अलावा दूसरे प्लेस पे जाकर छोड़ देते हैं। इस बीच गाड़ी वाला जाकर पुलिस पे कंप्लेन करता है, पुलिस यहाँ वहाँ गाड़ी को ढूंढती है, गाड़ी मिलने पर उसके सारे पार्ट्स निकाल कर खाली बॉडी ले जाकर उसके हाथ में दे देती है। फिर भी कार वाले का नुकसान हुआ ना? अरे उसका क्या नुकसान होगा, इंश्योरेंस किया होगा ना, वो लोग पैसे देते हैं। इंश्योरेंस वाले को देना पड़ेगा ना? वो लोग 1000 गाड़ियों के बदले में एक गाड़ी को इंश्योरेंस देते हैं। तेरा सिर्फ शरीर बड़ा है, दिमाग तो है नहीं उल्लू का पट्टा, चुप ही कर, चुप हो जा। आपके पास इतना दिमाग कहाँ से आया भाई? वही तो मुझे पता नहीं यार। और अब समझ में आया धोखा किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? सर से लेके पैर तक सरसराहट हो रही होगी ना, शौक लगता है जैसे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लालच का अंजाम जानता है ना, टूटे पतीले फटे बास्केट की तरह वेस्ट बन जाएगा। ए, ए। मैं चाहता तो एक पल में उसे खत्म कर देता। अगर वो मर जाता तो पहले दिन दिए जलाकर, दूसरे दिन दूध पिलाकर और 16 दिन में पिंड दान करके उसे भूल जाता। रोना पड़ेगा, तड़प तड़प के रोना पड़ेगा।
जिंदगी भर उसके लिए तेरे दिल में दर्द होना चाहिए। सड़ा हुआ आम है वो, जिंदगी भर जूस बनाकर पीना। ओके बस कहीं का, मेरे घर का झूठा खाना खा के बड़ा हुआ है तो तेरी बॉडी को काट के अगर चील कौओ को नहीं खिलाया। ए, मेरी बॉडी काटने का सपना छोड़, तेरे भाई की बॉडी का जो कुर्मा बनाकर भेजा उसे जानवरों को खिला, मजे से खाएंगे। थू! उस समय का बता मुझे। अरे उनको सिम कार्ड देने वाला डीलर या सेल्समैन, उनके बारे में कुछ डिटेल्स देंगे तो हमें आसानी होगी। जी गजनी कहाँ है? अगर हमें पता होता तो हम तुझे जरूर बता देते कुत्ते, क्योंकि तू गजनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि अगर तू उसे अकेला मिल गया तो वो तेरी बोटी बोटी निकाल के कुत्तों को डाल देगा। हम पर दूसरे का गुस्सा निकाल रहे हो साहब। वो सात सिम कार्ड बेचने वाली यही लड़की है सर। नमस्ते, आइए। सर कॉलेज चुराने वाला मिल गया है। कौन है वो? सुमो सर। लेकिन चोरी तो कॉलेज का हुआ है ना? चोरी करने वाला सुमो सर। गाड़ी कभी गाड़ी की चोरी करती है क्या? वो गाड़ी का नाम नहीं है सर, वो आदमी का नाम है। ए सुमो का इधर धक मारो, इनके सामने स्टाइल मार रहे हो क्या? या खुद एक बड़े स्टाइलिस्ट हैं? तुम गजनी को जानते हो क्या? गजनी हाथी के बारे में पूछ रहे हो क्या? मैं क्या जानू गजनी के बारे में? ए, नाम बताकर मजाक उड़ा रहा है? और नहीं तो क्या सर, मैं जरूरी काम से जा रहा था कि मुझे पकड़ के यहाँ ले आओ, गजनी के बारे में पूछने लगे। मैं क्या जानू गजनी हाथी के बारे में? तुम इसे पुलिस स्टेशन समझ रहे हो या बस स्टेशन? आप गजनी के बारे में जानना चाहते हैं ना? बस यही ना, आइए। हाँ। आइए सर आइए। ये रहा तालाब, अपनी टोपी ड्रेस निकाल कर मुझे दीजिए और इसमें डुबकी लगाइए। अरे इसके अंदर जाना है? ए, गजनी पूछा तो तालाब को क्यों दिखा रहा है? आपने गजनी हाथी के बारे में पूछा था ना, वो इधर ही आता है, मैंने बता दिया, बस चलता हूँ। गजनी को पूछा तो तालाब दिखाता है? आप गजनी हाथी के बारे में नहीं, किसी और गजनी के बारे में पूछ रहे थे। आइए सर आइए, आइए सर आइए, बताता हूँ। उधर देखिए, ये उसका नंबर है। आप असली गजनी भाई के बारे में पूछ रहे थे क्या सर? पहले बताना चाहिए था। बता देते तो? तभी कह देता कि मुझे पता नहीं। गजनी, गजनी। क्या हुआ? अपने गोपी और शशि को धर्मात्मा ने मार के तालाब में डाल दिया है। अपने एरिया वालों पर झूठा इल्जाम लगाकर अंदर कर दिया। काजल को भी अंदर कर दिया। गजनी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी जाता हूँ, उस एसपी को ठोक देता। एसपी राजाराम होता तो खत्म कर देता यार, दीदी का पति राजाराम बन गया, सेंटीमेंट बीच में आ रहा है, नहीं तो कब का खत्म कर देता। ए जीजा, इंसानियत बाकी है तो हत्यारा है धर्मात्मा, उसे अरेस्ट करो, या फिर चलाने वाला है भास्कर, उसे अरेस्ट करो। और हवालात में जो दो आदमी मारे गए हैं उनकी छानबीन छोड़कर पोस्ट का रोब दिखा रहा है, पोस्टमार्टम कर दूंगा। दीदी का पति है इसलिए बच गया है, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। अब देखना तेरी तो, दोनों एक साथ मरोगे। तेरा गुस्सा जायज है दीदी, मैंने जो किया इंसाफ के लिए किया, ये बताने के लिए नहीं आया हूँ मैं तो। दिल ए उर्मिला, कोई फोन किया था क्या? नहीं तो। तुम क्यों इतनी चुपके से बात कर रही हो? घर पर कोई आया है क्या? नहीं तो, कोई नहीं आया। मेरी पत्नी जिस हिसाब से मुझसे फोन पे बात कर रही है, लगता है कि वो गुलाम बनकर डर से हिल गई है। बेरहमी से पांच लोगों को जला कर राख कर दिया दीदी, अपने पति को मेरी गलती के लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए कहो,
मेरी माँ के बाद मुझे प्यार करने वाली तुम हो, उसके बाद वो लड़की, बिना वजह उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है दीदी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भगवान की हर रोज पूजा करती हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे लिए ये जरूरी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति जरूरी है। शराफत से उसे लेकर दूर चली जाओ, नहीं तो मेरे पति को मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों ने कुछ कर दिया तो रोक नहीं सकता। तुम्हारे जाने तक वो पुलिस स्टेशन में नहीं होंगे। है, अभी भी वहाँ नहीं होगा। तुम्हारे फोन करने के तरीके से समझ गया होगा मैं यहाँ हूँ। अपने पति को एक ही पेट से जन्म लिए हुए अपने सगे भाइयों को धोखा देती है? तेरे चेहरे के पसीने से ही नहीं, तेरे दिल की धड़कन से मैं आसानी से बता सकता हूँ, मुझसे झूठ बोल रही है। इससे सच्चाई निकलवाने के लिए आया है तेरा बाप। अब क्यों तू कैसे नहीं बोलती? तेरे इन होठों पर उसके होठों से चुम्मा करवाऊंगी मैं। ये हवलदार, क्या ये सब? FIR लिखे बिना जवान लड़की को चौकी में रखकर इज्जत लूटने की कोशिश करोगे तो और क्या होगा? तुम चुपचाप बैठे रहो। देखा तूने, 15 साल का रिश्ता। भाई नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे मत मारो भाई, अरे भाई मुझे। आज के बाद एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है,
किसी भी वक्त जिम के टेबल पे आ सकती है, उसके बाद रिएक्शन बहुत भयानक होगा। गजनी को ले आओ, बोला तो हार कर आ गए तुम। मेरे खेल को मैंने ही रचा, यही सब लोग देश में समझ रहे हैं। मेरी इज्जत निकाल दी। बैंड्रा में दो बॉडी, बीच पर दो जले हुए शव, बिना मतलब गलत केस लगाकर 30 लोगों को अरेस्ट, पुलिस स्टेशन को जला दिया है ना, बड़े तरम कान समझते हो ना। यूनिफॉर्म निकाल कर देख लो, मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, उस बीच में मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतने बड़े गुंडे समझ रहे हो क्या? सारी गलतियां होशियारी से सारे सबूत छोड़े बिना मार रहा है ना, वही असली गुंडा। अब तेरी बात खत्म हुई ना, अब ये जंग नहीं रुकेगी। अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं उस कमीने को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो काजल, काजल बात करो। मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। बताया भी तुम कहाँ? कलकत्ता पार करके बांग्लादेश जा रही हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदगी में मिल पाओगी या नहीं ये सोचकर डर रही हो ना? तो डरो मत, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। अभी एक खबर मिली है, गजनी ने थोड़ी देर पहले एक सेल फोन पे कांटेक्ट किया था। वो फोन उड़ीसा से आया था, अब थोड़ी देर में कलकत्ता की बाउंड्री पार कर जाएगा। अब बांग्लादेश के नेटवर्क का सिग्नल दे रहा है। गजनी ने बात किया हुआ सेल नंबर न्यू बॉम्बे के पास का दिखा रहा है। करेक्ट, इस एरिया में न्यू मुंबई के सिग्नल बदल रहे हैं, इसी जंगल में वो कहीं छिपा होगा। ए भौचा दक्का भाई, कांचा बड़ा का मधु, सबको ढूंढने के लिए बोल देना, मैं भी उतर रहा हूँ मैदान में। गजनी का अड्डा कब पता चल गया? चलो रे, जल्दी चलो। गजनी, डेविड को पुलिस ने पकड़ लिया। अब तुम्हें ढूंढते हुए एसपी यहाँ आ रहा है। पता है, मैं उसे संभालूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या गजनी? क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, तुम लोग जाओ। सर, कुछ और फोर्स की जरूरत है क्या? नो, सिर्फ 5 मिनट का जंगल हो रहा है। ज्यादा फोर्स ले जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा। इतना ही नहीं, हम उसे जिंदा नहीं पकड़ने वाले, खत्म करने वाले हैं। सेल फोन चार्लेज पे रखना, दोनों इस तरफ जाओ। आप इस तरफ। ओके सर। हे जीजा, कालिदास खाली हो गया। ए, कहां पर है तू? पुरुषोत्तम ही खलास हो गया। कहां पर है तू? Thank you.
नवी मुंबई के जंगल में गजनी को मैंने बंदी बनाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, उसे जाने मत देना। तेरे पापों का हिसाब नहीं है और तेरे जलाए हुए लोगों का हिसाब भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तुमसे ज्यादा मैंने डराया। क्या सोचता है, तुझे इतनी आसानी से मर जाने दूंगा मैं? चाहता तो कप का जहर देकर तुझे मार सकता था मैं, लेकिन जीना मुश्किल है और तड़प तड़प कर जीना तो और भी मुश्किल होता है। जब बेगुनाहों को मरते समय इतना तड़पना पड़ता है तो इतने गुनाह करने के बाद क्यों नहीं तड़पेगा तू? तुम अपने आप को शहर का बहुत बड़ा एक गुंडा समझते थे ना? फटा हुआ पोस्टर बना दूंगा तुझे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपमान से तू घर से ना निकले तो लोग थूके, और उस अपमान से अगर तू मरना चाहे तो तू मर भी नहीं पाएगा, ऐसा बना दूंगा मैं तुझे। 45 साल के गुंडे से कौन शादी करेगा? पैसे के लिए इंसान का खून पीने वाले, अगर तू जीना भी चाहे तो साइन किए बिना, अंगूठा लगाए बिना, खाने के लिए हाथ नहीं खिलाने वाला कोई नहीं, तड़प तड़प के मरेगा तू। आज के बाद ना तू खा पाएगा, ना पिछवाड़ा धो पाएगा और ना भीख मांग पाएगा। क्या देख रहा है मुझे? क्या करूंगा ये सोच रहा है? जान लूंगा तो जान जाने तक दर्द होगा, अपाहिज बना दूंगा तो मरते दम तक तड़पेगा। नहीं।
दिल्ली जा रहा हूँ, तुम लोग भी कहीं चले जाओ। हम यहाँ रहेंगे तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये सोचना गलत है कि लोग हमें देखकर डरें। ईमानदारी से रहूंगा तो शांति से जीऊंगा। चलता हूँ गजनी। ए बस ना यार रवि, चलता हूँ। दीदी जा रहा हूँ। ये लो। सुनो, पहले आप मुझे ये बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली नहीं जा रहे, पूना जा रहे हैं। आज के बाद मैं कहाँ रहता हूँ ये किसी को पता नहीं होगा। तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा कहा था ना, इसलिए।